और नमस्ते में सी संकल्पिया दुनिया करती है गर्वा हम करेंगे पढ़ाई जी हाँ हम है कुछ अलग हम है द चार्टर्ड द प्रोफेशनल सो टू आवर्स इज आई वाय फ्रॉम यू ठीक है uh, वैसे तो जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए 8 पीएम टू 10 पीएम और जो बाद में जब भी देखने वाले हो तुम लोग स्पीड बढ़ा के टू आवर्स इज वॉट आई वॉन्ट फॉर एक्सपुरा विद योर मैजिक बुक एंड डन एंड डस्टेड मैजिक बुक पूरा का पूरा ई बुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए एंड अगर वो नहीं है तो प्लीज हम लोग को एक व्हाट्सएप कर दो मेल कर दो मेरे को पर्सनली आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ द ई बुक एंड यू कैन गेट इट सो पूरा का पूरा फॉरन एक्सचेंज अपन लोग करने वाले हैं स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट बेड आस्क आर्बिट्राज लीडिंग लैगिंग एवरीथिंग यस इन स्पैन ऑफ टू आवर्स गारंटी 10 टू 15 मार्क्स का आने वाला है करेंसी फ्यूचर सब मैंने इसमें करवाया है तुम लोग को एंड टू आर्स आप लोग उसको फटाफट भी देख पाओगे देख लिया उसके बाद एग्जाम तक एटलीस्ट दो या तीन बार सुन लेना कभी भी ट्रस्ट मीस चैप्टर में से फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो यू विल बी एबल टू मैनेज इट इन वेरी वेरी स्मूथ मैनर ठीक है गाइज चलो so, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं ऑन दिस पॉजिटिव नोट एंड एंड आई एम श्योर वी आर गॉन अट प्लीज अच्छा लगेगा लेक्चर तो लाइक जरूर करना शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दट दे ऑल्सो नो दैट यहाँ पे एक्स भी दो घंटे में पूरी तरह से किया जा सकता है विद प्रॉपर डिटेल एंड एग्जाम्पल ठीक है और कुछ भी चाहिए आपको मेरी तरफ से द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू सेक्चर्स कैसा लगा द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू सी यू विद द नेक्स्ट सेशन बट उसके पहले स्टार्ट करते हैं ये सेशन ऑन फॉर लेट द गेम बिगिन ओके देन सो फॉरेक्स मैं क्या करने वाला हूं कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट इस हिसाब से मैंने पूरा का पूरा ये, जो है और कहीं पे मुझे लगा कुछ डिटेल में है या रेफरेंस रहा है आई लेट यू नो बस आपको मेरे साथ रहना है बने रहना एंड आई एम श्योर वी विल बी एबल टूजिली मैनेज दिस चैप्टर स्टार्ट करता हूं मैं विद फॉरेक्स वट एक्सैक्टली इज फॉर एक्स फॉरन एक्सचेंज अब जब भी फॉरन एक्सचेंज आता है ना देर विल ऑलवेज बी अ फ्लक्चुएशन इन द करेंसी आज मेरे को आपको दस हजार रुपए देना है तो वो जो दस हजार रुपए मेरे लिए मेरे पास पड़े हैं वो ही दस हजार रुपए मेरे को आपको देना है मैं आज दूंगा या कल दूंगा वो वही रहेगा कोई टेंशन का बात नहीं है अंटिलू ऑफ मनी आ जाए द डिफरेंट थिंग बट अगर मेरे को किसी को डॉलर देना है देन इन दैट केस मेरा लोकल करेंसी तो डॉलर नहीं है और मेरे को अगर किसी को डॉलर देना है किसी से पाउंड लेना है तो मेरा लोकल करेंसी क्या है रुपीज बट अगर मेरे लोकल करेंसी के अलावा कोई भी और करेंसी मिल रहा है देन इन दैट केस द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू गेट कैन चेंज विद इन सिंगल डे विद इन सिंगल मिनट विद इन सिंगल सेकेंड और मेरे लिए नहीं सामने वाले के लिए भी हो सकता है मेरे को किसी को रुपीज देना हो जो उसका लोकल करेंसी ना हो सो so, Obviously, जो fluctuation का का, का मेरे को को है है, है, वही उसको भी है, उस चीज कैसे करना आप लोगों के लिए मैंने कुछ कोर्ट लिए हैं, जैसा कि आप लोग सब लोग ने पहले भी देखा होगा कहीं पे कहीं ना कहीं दैट द कोर्ट्स आर इन वेरियस वेज अब ये कैसे रिप्रेजेंट होता है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहाँ पे थ्रू रेट ऑफ करेंसी प्रेजेंटेशन मेरा इस पूरे चैप्टर में रिवीजन में फोकस यही रहेगा कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट से साथ कनेक्ट करवा दूं उसको रिप्रेजेंट कर सकता है रुपीस पैसे पिप्स पिप्स का मतलब क्या होता है चार डेसिमल ठीक है सो फॉर एग्जांपल यहां पे आप लोगों को देख रहा होगा 56 पिप्स इज रिप्रेजेंटेड है 0.0056 65 पिप्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0.0065 चार डेसिमल आई होप समझ में आ गया होगा फॉरेक्स का यूजुअली एक फॉर्मेट होता है एक होता है बेस करेंसी और एक होता है वेरिएबल करेंसी बेस करेंसी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज एटी फाइव है एटी फाइव तो फ्लक्चुएट क्या होने वाला है अभी से फॉर एक्साम्पल वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव है फिर वन डॉलर इक्वल टू एटी सिक्स भी हो सकता है एटी सेवन भी हो सकता है सो दैट दैट इज वेरिंग बिकम्स माय वेरिएबल करेंसी एंड मैंने बेस किसको बना के रखा है दैट इज माय बेस करेंसी विच इज डॉलर

और जो फॉरेन करेंसी है उसको बेस रखा गया है यानी अगर आप बॉम्बे में कोई करेंसी लेने के लिए गए डॉलर लेने के लिए गए एंड उस फॉरेन करेंसी को बेस रखा गया है से डॉलर को बेस रखा गया है मतलब वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव अगर आपको ऐसा कोट मिला है इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट बट यही अगर इंडिया में बॉम्बे में मेरा जो लोकल करेंसी है रुपीज उसको बेस रखा गया है और आपको दिया गया है देन इट इज इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट से फॉर एग्जांपल इक्वल टू डॉलर इन ऐसा कोई आपको कोट मिल रहा है देन दे आर गिविंग यू अ इनडायरेक्ट कोर्ट इन इंडिया से so अगर आप अमेरिका में गए या से फॉर एग्जाम्पल आप लंडन में गए लंडन का लोकल करेंसी है पाउंड तो अगर लंडन में लंडन के बैंक ने अगर आपको एक करेंसी कोड दिया दैट वन पाउंडी फाइव में इट इज अरेक्ट कोड बिकॉज लंदन के लोकल करेंसी को बेस रखा है बट अगर वही लंदन वाला बोलता है इट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोर्ट सो जो भी लोकल होम करेंसी है होम प्लेस है उसको अगर आप बेस रखते हो उसको आप वन रूपी के टर्म्स में जैसा मैं आपको बोला रिप्रेजेंट करवाते हो देन इट इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट देख एंड अगर आप फॉरेन करेंसी को बेस रखते हो मतलब फॉरेन करेंसी को आप ऐसा अ वन डॉलर वन पाउंड वन धीरा ऐसे करके रखते हो देन इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट इन दैट कंट्री आई होप यू आर क्लियर सो प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी

अगर मेरे को इनडायरेक्ट कोट को डायरेक्ट कोट में करना है तो वन अपॉन डायरेक्ट कोट करूंगा तो इनडायरेक्ट कोट हो जाएगा आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है सिर्फ आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे आप लोग को लिखवा के भी दे सकता हूं कि वॉट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क सो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डायरेक्ट कोट है और उसको मेरे को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है ऑल आई विल डू इज वन अपॉन डायरेक्ट कोट अपॉन डायरेक्ट कोट करूंगा तो मुझे इनडायरेक्ट कोट मिल जाएगा मैंने आप लोग के लिए एग्जाम्पल भी लिया है $1 अब अमेरिका में इज अ इनडायरेक्ट कोट इस इनडायरेक्ट कोट को मेरे को डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा वन अपॉन इनडायरेक्ट कोट मैंने यहां पे किया वन अपॉन इनडायरेक्ट कोट मैंने यहाँ पे किया वन अपॉन सिक्स नाइनटी पॉइंट सिक्स नाइन वन एट एंड मुझे डायरेक्ट कोट मिल गया वन रुपीज इज इक्वल टू डॉलर जीरो पॉइंट जीरो रुपीज के टर्म्स में कोई चीज दिख रही है देन इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट एंड इसका वाइस वर्सा एग्जांपल यहां पे आपको मिल जाएगा फिर बाद में आते हैं अपन लोग डायरेक्ट कोट कोट के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बिड एंड आस्क्रेड अभी कोई भी आपको अगर कोटेशन मिलता है ना सो देर इज अ टू वे कोटेशन फॉर्मेट मेरे को एक बात बताओ हर आदमी यहां पे धंधा करने के लिए बैठा है कमाने के लिए बैठा है तो जो आपको फॉरेन करेंसी बेच रहा है जैसे कि बैंक हुआ या ऑथोराइज फॉरेन करेंसी डीलर हुआ कहना इसे वो भी तो पैसा कमाने के लिए बैठा है है कि नहीं सो so, जब वो आपको कोई करेंसी बेचेगा ठीक है इट विल बी एट अ हायर रेट बट जब अगर वो कोई करेंसी आपसे बाय करेगा इट विल बी एट अ लोअर रेट सो ही आल्सो बाइज एट अ लोअर रेट सेल्स एट अ हायर रेट जो डिफरेंस है वो उसका बिजनेस प्रॉफिट हो गया तो ये जो लोअर रेट पे वो खरीद रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ बिड कोट या बिड रेट एंड से फॉर एग्जाम्पल जब वो आपको बेच रहा है वो आपको कुछ बेच रहा है ऑथोराइज डीलर दैट बिकम्स आस्क आस्क रेट या कोट आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर सो बिड एंड आस्क आर ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक ठीक है सो जो कम है कम कोट है उतने में बैंक खरीदेगा बिड जो ज्यादा कोट है उतने में बैंक बेचेगा आस्क जो डिफरेंस है उसको कहते हैं स्प्रेड और वही तो बैंक का प्रॉफिट है वही तो बैंक का मार्जिन है सो बिड रेट रेट एट विच बैंक बाइज और कस्टमर सेल्स द बेस करेंसी एंड आस्क रेट रेट एट विच बैंक सेल्स और कस्टमर बाइज द बेस करेंसी समझो एवरीबॉडी अब जब दो कोट है यहाँ पे सो so आपके पास है यहाँ पे बिड एंड आस्क सो बैंक जब बाय करेगा लोअर रेट पे यानी हंड्रेड एंड फाइव पे तो सीम फॉर एग्जाम्पल वन पाउंड का यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया है ठीक है, यहाँ पे जब बैंक को बाई करना है इट विल बी एट्रेड एंड फाइव बैंक को जब सेल करना है दस हजार पाउंड लेकर आप गए ले बैंक के पास और आपने बैंक को बोला पाउंड है चल मेरे को कितना रुपया देगा तो क्या हो रहा है बेस करेंसी देखो पहले बेस करेंसी कौन है रे बेस करेंसी है पाउंड तो बेस करेंसी पाउंड को बैंक खरीद रहा है बैंक कभी भी खरीदता है तो इट इज ऑलवेज एट अ लोअर रेट सो बैंक विल बाय एट हंड्रेड एंड फाइव और अगर आप जाके बोलते हो कि ये बैंक मेरे को पाउंड बेच तो इट विल सेल यू एट हंड्रेड एंड एट पर पाउंड समझ में आया क्या होता है यहां पे लॉजिक सो बेस करेंसी पकड़ना है आपको So, पे देखो लिखा भी है रेट एट विच बैंक बाइस और कस्टमर सेल्स द बेस करेंसी सो मैं जब पाउंड बेचने को गया मेरे वन इक्वल टू हंड्रेड एंड फाइव में बैंक uh, तो uh, को पाउंड बेचने के लिए गया एट दैट पॉइंट इन टाइम बैंक उस पाउंड को खरीद रहा है बैंक कोई चीज को बाय कर रहा है बैंक कोई चीज को बाय कर रहा है इट विल ऑलवेज बी एट द बिड रेट विच इज द लोअर रेट हंड्रेड एंड फाइव दस हजार इंटू हंड्रेड एंड फाइव में बैंक मेरे से खरीदेगा पर अगर मैं उल्टा कर रहा हूं बोल रहा हूं मेरे को दस हजार पाउंड चाहिए तो बैंक दस हजार इंटू हंड्रेड एंड एट में मेरे को ऑब्वियसली कोई भी ऑथोराइज डीलर फॉरेन बैंक पैसा कमाने के लिए बैठा है सो आस्क रेट जितने में बैंक सेल कर रहा है विल ऑलवेज बी हायर देन द बिड रेट जितने में वो बाय कर रहा है लाइक इंटरेस्ट रेट इन लोन आप अगर बोरो करने को जाएंगे तो इन दैट केस बोरोइंग रेट विल बी हायर बट आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डिपॉजिट कर रहे हो दैट रेट विल ऑलवेज बी लोअर याद रखना कोर्ट्स आर ऑलवेज

आइडेंटीफाई दर्ट अब अगर बॉम्बे में कोर्ट दिया है बॉम्बे में वन डॉलर इक्वल टू एटी फोर टू फाइव दिया है तो बॉम्बे में डॉलर को वो लोग ने एक बेस बनाकर रखा है तो अगर बॉम्बे में इंडिया में बेसिकली होम होम कंट्री अपना होम करेंसी है रूपीज बट वो लोग ने फॉरेन करेंसी को बेस बना के रखा है मतलब इट इज अ डायरेक्ट कोर्ट समझ में आया द कोर्ट गिविन इन मुंबई

बट यहां पे जब मेरे को डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट करना है तो मेरा फॉर्मूला वन अपॉन डायरेक्ट कोट ही रहेगा इसमें कोई फेर नहीं है बट यहां पे ध्यान से सुनना क्या कहानी में ट्विस्ट है जब मेरे को डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट फाइंड करना है और मेरे को बिड चाहिए बिड क्या चाहिए इनडायरेक्ट कोट के लेवल पे बिड चाहिए सो इट विल बी वन अपॉन डायरेक्ट कोट ऑफ Ask, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि अगर मेरे को इनडायरेक्ट कोड का बिड चाहिए ये देखो इधर इनडायरेक्ट कोट का बिड चाहिए तो मैंने किया है वन अपॉन आस्क मैंने किया है वन अपॉन आस्क इसका एटी फोर पॉइंट सेवन थ्री एटी फोर पॉइंट सेवन थ्री ए समझे एवरीबॉडी और, और और जब मेरे को डायरेक्ट कोर्ट से इनडायरेक्ट कोट आस्क फाइंड करना है तो मैं करूंगा अपॉन डायरेक्ट कोट अभी अपना नॉर्मल थिंकिंग क्या बोलता था इस और बीड के सामने बीड आना चाहिए ना आंसर इज दो बिकॉज आस्क शुड बी हायर एंड बिड शुड बी लोअर सो यहां पे जब मैं वन अपॉन करता हूं ना थोड़ा मैथमेटिकल चीज है ये सो वन अपॉन करता हूं तो ऑब्वियसली मेरा जो आस्क वाला चीज है वो यहां पे लोअर हो जाएगा एंड बिड को मैं वन अपॉन करता हूं तो वो हायर हो जाएगा एंड दैट्स हाउ मैथमेटिकली दिस वर्क्स बाकी मैथमेटिक्स के आप स्ट्रॉग नहीं हो साइड पे रख दो डायरेक्ट कोड से इनडायरेक्ट कोड कैसे करना है वन अपॉन डायरेक्ट कोड डायरेक्ट कोड से इनडायरेक्ट कोट वन अपॉन डायरेक्ट कोड से करना है इन डायरेक्ट से मेरे को इनडायरेक्ट कोड का बिड चाहिए तो वन अपॉन डायरेक्ट कोड आस्क और अगर मेरे को डायरेक्ट कोर्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोर्ट का आस चाहिए अपॉन डायरेक्ट कोट का आस चाहिए तो अगर आप लोग नोट करोगे तो मैंने किया है वन अपॉन डायरेक्ट कोर्ट बिड का विच इज एटी फोर पॉइंट सेवन टू फाइव एंड ये मेरे को नया डुअल रेट मिल जाएगा समझू एवरीबॉडी यस सर हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट कोट इन डुअल कोट सो यहां पे देखो बताया मैंने इन डायरेक्ट कोट के बिड को करना है कन्वर्ट तो वन अपॉन डायरेक्ट कोर्ट आस इन डायरेक्ट कोट के आस को करना है तो वन अपॉन डायरेक्ट कोर्ट बिड एंड वाइस वर्सा क्लियर एवरीबॉडी अब आ जाते हैं अपन लोग रेट रीडिंग तो रेट रीडिंग रीडिंग के ऊपर तो देखो में क्या क्या सीन होता है पता है पता एक होता है मर्चेंट रेट और एक होता है इंटर बैंक रेट आप जब जाते हो ना तो आपको दिया जाता है मर्चेंट रेट बट जब इंटर बैंक ट्रेडिंग हो रही होती है ना तो वो लोग को दिया जाता है इंटर बैंक रेट से फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई रोज तो आप और मैं कोई रोज तो ट्रेडिंग करते नहीं है तो अपने को जो कोर्ट दिया जाता है ना वो एकदम सिंपल कोट होता है डॉलर इक्वल टू समझ रहे हो बट अगर से कोई इंटर बैंक में कोर्ट चालू है तो आएगा वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव पॉइंट टू थ्री सेवन फाइव स्लैश नाइन जीरो नाइन जीरो इंटर बैंक वाले को पता होना चाहिए बट अपने को जब कोर्ट दिया जाएगा एज अ Consumer, तो अपने मर्चेंट बिजनेस एंड एक्सचेंज रेट एट विच ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज द मर्चेंट रेट बट कौन सा विद इट्स कस्टमर और दूसरा कौन सा है इंटर बैंक

वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे ले लिया है सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व इट अब यहां पे अगर दिया हुआ है एटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो स्लैश सेवन फाइव तो टू फाइव सेम रहेगा लास्ट सेवन फाइव रिप्लेस हो जाएगा इसके लिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखा है ये वाले के लिए रिप्लेस द पिप्स और पॉइंट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड एंड कीप इज इट सेम एज तो 25, तो ये जो देखो ना आपको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं एटी फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव जीरो स्लैश सेवन फाइव तो सेवन फाइव फाइव जीरो भी तो लिख सकता हूं नहीं ये तरीका सही नहीं होगा आपको जो रिप्लेस करना है वो एक्सट्रीम राइट वाली चीज है उसके पहले वाला सेम ही रखना है तो ये सेम ही रखना है और ये जो था इसको चेंज करना है अब क्लियर एवरीबॉडी यस सर उसके बाद में क्या है वन डॉलर इक्वल टू एटी एट पॉइंट फाइव टू फाइव जीरो फाइव जीरो अब आस्क शुड ऑलवेज बी मोर देन बेड तो अभी फाइव टू फाइव जीरो बाजू वाला भी फाइव टू फाइव जीरो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बराबर है सो इन सच सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा देखो फाइव जीरो फाइव जीरो सेम रहेगा उसके पहले वाला जो टू दिख रहा है ना उसमें प्लस वन देखो मैंने यहां पे किया hey, ठीक है अब अगेन आप लोग प्लीज पीडीएफ नोट्स ओपन रखा आप लोग के पास ई बुक होगा ई बुक का लिंक होगा मैंने यूट्यूब पे टेलीग्राम पे दोनों जगहों पर डाल दिया so, डाउनलोड करके रखना सो दैट इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल ठीक है अभी फिर बाद में ऐसे ही और भी आगे जो कोर्ट है सेवेंटी फाइव पॉइंट वन एट फोर जीरो स्लैश थ्री जीरो बिड कैन नेवर बी मोर देन आस्क बट यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है तो चेंज कर देंगे सो अगेन लास्ट का दो सेम रखा है एट जहां पे दिख रहा है उधर प्लस वन कर दिया है तो ये हो जाता है वन नाइन

तीन डिजिट है तो वो तो सेम ही रहेगा उसके जस्ट एक पहले वाला जो है उसमें अपन लोग चेंज कर देंगे वन नाइन जीरो जीरो आ जाएगा तो आस्क विल बिकम ग्रेटर देन द बिट तो ये देखो इधर जैसा मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है जीरो था उसको प्लस वन कर दिया है नाइनटी वन पॉइंट फोर जीरो प्लस माइनस नाइन जीरो इसमें भी

और लगेगा यही कोट है बट इसको इन्वर्स कर दो ऑलवेज so, क्वेश्चन में इस, ऐसा कोई रेट आया, तो you know how to interpret and कैसे उसको सॉल्व करना है अब आते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट मतलब आज का आज मेरे को अगर कोई भी करेंसी खरीदना है कॉल्ड एज द स्पॉट रेट दूसरा फॉरवर्ड रेट आज के आज मेरे को फॉरवर्ड रेट मतलब आज के आज के मुझे रेट फ्रीज करना है खरीदूंगा मैं तीन महीने बाद बट रेट क्या होने वाला है वो मुझे आज ही पता होना चाहिए तो आज का फॉरन एक्सचेंज रेट फॉर ट्रांजेक्शन कब करना है इमिजिएटली करना है आज का ही रेट दे मेरे को सो so, यहाँ पे वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव एटी सिक्स आज का रेट दिया है तो इट रेट आज ही मेरे को तीन महीने बाद का रेट दे दिया है कॉल्ड एज द फॉरवर्ड रेट सर ऐसा भी होता है आज ही अपने को तीन महीने बाद का भी रेट मिलता है ये yes, उसी का तो नाम है फॉरवर्ड रेट सो फ्रीजिंग द फॉर एक्सचेंज रेट टूडे फॉर ट्रांजेक्शन टू बी डन आफ्टर फ्यूचर पीरियड सो फॉर एग्जाम्पल मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर का एग्जाम्पल लेता हूं मैं अगर एक्सपोर्ट किया है कोई गुड्स तीन महीने बाद मेरे पास डॉलर आने वाला है तो अब वो डॉलर जब मेरे पास आएगा तीन महीने बाद तब क्या रेट होगा किसको पता तो कौन रात का नींद गया तो मैं तो आज ही फ्रीज करना चाहता हूँ महीने बाद देना बैंक को बैंक आपको रूपीज दे देगा कॉल्ड एज द फॉरवर्ड रेट ट्रांजेक्शन समझ में आ गया सो फॉरवर्ड रेट आर यूज बिजनेस टू हेजसेल्स फ्रॉम फ्यूचर फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट फॉरवर्ड डेट एंड रेट बोथ आर फ्रीज टूडे वेर एज स्पॉट रेट में जो डेट रेट फ्रीज क्या है आज उसी पे मेरे को बाय करना है अभी क्लियर एवरीबॉडी अब है स्वॉप पॉइंट भाई तुमने एक चीज नोट की क्या नोट की क्या क्या पता है ये देखो मेरा स्पॉट का रेट है वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव एटी सिक्स एंड फॉरवर्ड का रेट है वन डॉलर इक्वल टू एटी सेवन एटी एट ये डिफरेंस क्यों डिफरेंस है टाइम की वजह से भाई एक आज का रेट है दूसरा आज की तारीख में रेट बट तीन महीने बाद उसका सेटलमेंट होगा सो so ऑब्वियसली टाइम की वजह से देर हैजू बी अ डिफरेंस बिटवीन द रेट दिस डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट इज कॉल्ड एज स्व डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट गाइज एंड स्पॉट रेट इज स्वॉप पॉइंट समझ में आया अब होगा क्या आपको पता है पूछो मुझे क्या होगा सर सो दे विल गिव यू स्वप पॉइंट दे विल गिव यू स्पॉट रेट आपको उस स्वॉप पॉइंट्स को स्पॉट रेट में ऐड करके बताना है आपका फॉरवर्ड रेट जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो दैट दे हैव गिवन अस द स्पॉट रेट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स वो देगा आपको ऐड करके बताना है फॉरवर्ड रेट तो स्पॉट बिड होगा उस पे ऐड करो स्वॉप पॉइंट स्पॉट आस्क होगा ऐड करो स्पॉट पॉइंट यू विल गेट द फॉरवर्ड बिड एंड फॉरवर्ड आस्क डन ओके अब फॉरवर्ड प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है बट करेंसी तो दो, दो है डॉलर है दूसरा रुपीज है फॉर एग्जाम्पल सो अगर वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव है स्पॉट एंड वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी नाइन है फॉरवर्ड थ्री so, इसका मतलब विच करेंसी इज ट्रेडिंग एट फॉरवर्ड प्रीमियम एंड अगर वन डॉलर इज इक्वल टू रूपीज एटी फाइव है एंड वन डॉलर इक्वल टू एट्टी रुपीज है फॉर थ्री मंथस फॉरवर्ड देन विच करेंसी इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट इज गिवन बाय दिस कॉन्सेप्ट So, अगर मेरा बेस करेंसी के टर्म्स में वेरिएबल करेंसी बढ़ रहा है सो वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव है बेस $1 equal to 85, और बेस करेंसी के टर्म्स में जो वेरिएबल करेंसी है वो बढ़ रहा है तो अगर उल्टा हुआ देन इट मीन इट इज एट डिस्काउंट करेंसी इज सेट टू बी एट प्रीमियम

अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो पहले एटी रुपीज में मैं खरीद सकता था तीन महीने बाद अगर मुझे डॉलर खरीदना है तो एट्टी फाइव में खरीदना पड़ेगा मतलब डॉलर हैज बिकम एक्सपेंसिव गॉट इट एंड समझो ये हो जाता है स्पॉट रेट वन डॉलर इक्वल टू एटी बट फॉरवर्ड रेट वन डॉलर इक्वल टू सेवेंटी फाइव इट मीन्स मेरा डॉलर खरीदना सस्ता हो गया है इट मीन्स डॉलर इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट एंड रुपी इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम चलो करेंसीव इन दर्ड मार्केट देन इन दार्केट समझो वन डॉलर इक्वल टू एटीर इक्वल ये चल रहा था वो ये कंटिन्यू करता हूं मैं अब अगर डॉलर एक्सपेंसिव हुआ है तो ऑब्वियसली इसका मतलब रूपी चीपर हुआ होगा राइट सो यहाँ पे देखो वन रूपीज में पहले मेरे को मिलता था डॉलर जीरो पॉइंट जीरो वन टू फाइव

प्रीमियम और डिस्काउंट इज ऑलवेज ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो फॉरवर्ड प्रीमियम यहां पे आप लोगों को यहां पे आप लोगों को दिख रहा है कि भाई जो चीज मेरी स्पॉट में 80 में मिल रही है फॉरवर्ड में 85 में मिल रही है सो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट 85 माइनस एट्टी प्रीमियम पे डिवाइड बाय स्पॉट डिवाइड बाय स्पॉट इज 80 अब ये तो मेरे को तीन महीने का प्रीमियम मिला है अगर मेरे को यहां पे प्रीमियम और डिस्काउंट कभी भी एनुअलाइज बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है सो वॉर दैट आई विल डू इज इनटू ट्वेल्व मंथ और थ्री सिक्सटी फाइव डेज और फिफ्टी टू वीक्स सिनारियो है सो so, अभी पे तीन महीने का है सो इंटू ट्वेल्व मंथ डिवाइड बाय थ्री बराबर है अगर नाइंटी वन डेज का इंटू थ्री सिक्सटी फाइव डिवाइड बाय नाइनटी वन

बराबर है एक पाउंड खरीदने के लिए पहले 2.5 डॉलर लगता था आज एक पाउंड खरीदने के लिए तीन डॉलर लग रहा है।, मतलब है तू सोचो ना आज ये पेन खरीदने के लिए मेरे को पहले तो मेरे को टू पॉइंट फाइव देना है एंड तीन महीने बाद खरीदने को जाता हूं तो थ्री रुपीज देना है तो अपन क्या बोलते हैं अरे यार पेन तो महंगा हो गया वैसे अरे यार पाउंड तो महंगा हो गया है इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम अच्छा एवरीबॉडी as can be seen from above pound is trading at premium and dollar is at discount calculation of annualized forward premium 3 minus 2.5 upon 2.5 into 100 इन टू ट्वेल्व मंथ अपॉन थ्री अपने को पता चलता है कि भाई टोटल कितना प्रीमियम पे चल रहा है एनुअलाइज प्रीमियम इज एट्टी परसेंट ओके नेक्स्ट रेट्स टुडे वन डॉलर इक्वल टू फिफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा ट्रेडिंग एट डिस्काउंट है भाई पहले एक डॉलर पचास अच्छा रुपए में मिलता था अब एक डॉलर फिफ्टी फाइव में मिलने वाला है तीन महीने बाद तो डॉलर तो महंगा हो रहा है तो डॉलर प्रीमियम पे है तो इसका मतलब रुपीज किस पे हुआ

फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर रुपीज का करना है तो पहले वन रुपीज के लेवल पे फाइंड आउट करो स्पॉट का रेट वन रुपीज के लेवल पे फाइंड आउट करो फॉरवर्ड का रेट फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू हंड्रेड कच्चा एवरीबॉडी इंटू ट्वेल्व मंथ अपॉन सिक्स जो अपना एनुअलाइज लेवल पे अपन लोग करते हैं वो करना ही है सो तो अपन लोग ने देखो पहले क्या किया फर्स्ट कन्वर्ट रुपी एट पर करेंसी लेवल याद रखना जिसका भी प्रीमियम या जिस भी करेंसी का डिस्काउंट फाइंड कर रहा है उस करेंसी को वन पे लेकर आओ उस करेंसी को वन पे लेकर आओ तो so ये हो जाएगा आपका वन रुपीज इज इक्वल टू वन अपॉन डॉलर फिफ्टी एंड वन रुपीज इक्वल टू वन अपॉन डॉलर फिफ्टी फाइव ए समझियो वन अपॉन फिफ्टी फाइव माइनस वन अपॉन फिफ्टी अपॉन वन अपॉन फिफ्टी इन टू हंड्रेड इंटेल्व बाई सिक्स वेल गिव मी नेगेटिव 18.18 परसेंट वो तो पहले से पता ही था कि डॉलर प्रीमियम पे है एंड रुपी मेरा नेगेटिव मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है बट कैसे कैलकुलेट किया मैंने जिस भी करेंसी का डिस्काउंट या जिस भी करेंसी का प्रीमियम फाइंड करना है फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज उस करेंसी को वन पे ले आओ तो वन रुपीज के ऊपर लेकर आ गया स्पॉट भी फॉरवर्ड भी

उंट एफ डी एफ पीट एट एवरी वन चलो सो इसी के साथ आई होप आपको फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट पूरा क्लैरिटी के साथ आ गया होगा स्पॉट फॉरवर्ड क्या होता है पूरा क्लैरिटी के साथ आ गया होगा हाउ टू कन्वर्ट अ डी क्यू टू आई डी क्यू यह मैं तुम लोग को बता चुका हूं डायरेक्ट कोर्ट से इनडायरेक्ट कोट फाइंड करना है इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोट बिड फाइंड करना है तो वन अपॉन डायरेक्ट कोट आस्क इन डायरेक्ट कोट आस्क फाइंड करना है देखो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है टूडेज रेट इज एटी फोर पॉइंट फोर फाइव फाइव जीरो सिक्स थ्री मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है थ्री मंथ फॉरवर्ड दिया है एटी सिक्स पॉइंट वन टू फाइव एटी सिक्स पॉइंट वन थ्री फाइव जीरो अब यहाँ पे प्रीमियम मेरे को फाइंड करना है तो कैसे करोगे 86.1250 माइनस 84.4550 अपॉन दिस इनटू 100 हंड्रेड so, सो अपने को इधर बेड का प्रीमियम मिल गया अपने को इधर आस का प्रीमियम मिल गया प्रीमियम वाला तो ठीक है अगर मुझे फाइंड करना है कि कौन सी करेंसी डिस्काउंट पे है तो कहना उस करेंसी को पहले पर रुपी वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा अब वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फोर पॉइंट फोर फाइव फाइव एटी फोर पॉइंट पहले अगर मेरे को वो रुपी टर्म्स में करना पड़ेगा स्लैश वन अपॉन एटी फोर पॉइंट फोर फाइव फाइव अपॉन एटी फोर पॉइंट फोर फाइव फाइव ए समझू एवरीबाडी घट चलो डन हो गया वैसे ही थ्री मंथ फॉरवर्ड फाइंड किया वन रुपीज का बीड का फॉर्मूला लगाया का फॉर्मूला लगाया बीड का परसेंटेज आ गया आज का डिस्काउंट परसेंटेज आ गया मार्क दिस इंपॉर्टेंट एंड अगर ये नहीं समझ आया तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लो चाहिए तो बुक पे सॉल्व कर लो विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वी विल मूव ऑन अब आते हैं फॉरवर्ड रेट के ऊपर ठीक है सो यहां पे देखो फॉरवर्ड ये वेदर फॉरवर्ड प्रीमियम पे है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है तो 84.25 हो गया 84.65 तो बढ़ गया है फॉरवर्ड प्रीमियम पे है 84.65 84.85 हो गया है फॉरवर्ड प्रीमियम पे है वैसे ही ये डिक्रीज हो गया है तो इट मिल रहा है महीने बाद जो एटी आज मुझे जो 84.25 में मिल रही है एक महीने बाद मुझे खाली फॉरवर्ड डिस्काउंट व्हेन स्वॉप पॉइंट अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा है सिंपल सा पॉइंट बट यू शुड रिमेंबर इट वेन ऑफ बिड इज हायर देन स्वॉप पॉइंट ऑफ आस्क स्वॉप पॉइंट की बात चल रही है ठीक है सो वन डॉलर इक्वल टू एटी फाइव एटी सेवन स्पॉट रेट हुआ अब वो लोग स्वॉप पॉइंट देते हैं अपने को बरअर ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्वॉप पॉइंट दिया है से सेवन एंड यहाँ पे स्वॉप पॉइंट दिया है वन ऐसा कुछ एक आपको खाली आइडिया दे रहा हूं देन इट मींस दैट Forward is lower than the spot, that is we will reduce the swap point from the spot. agar bid swap point is higher than the ask swap point, jaisa ki mere example mein hai 80.2550 2560, इसमें कोई problem नहीं है. But swap point देखो, अब अगर मैं ये swap point इधर add करता हूँ, तो होगा क्या पता है? Ask will be greater than bid, which can never happen.

वो अपना पूरा गेम बदल देगा विच इज रॉन्ग सो इसके लिए आपको क्या करना है अगर बिड स्वॉप इज हायर देन आस्क स्वॉप रिड्यूस करेक्ट एंड रिड्यूस किया तो इसका मतलब फॉरवर्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट अच्छा सो वेन बिड और स्वॉप पॉइंट वेन और बिड और बिड इज लेस देन आस्क ऐड स्व पॉइंट एड फॉरवर्ड इज दैट प्रीमियम बट वेन बीड इज ग्रेटर देन आस्क सब्ट्रैक्ट स्व पॉइंट एट

रिड्यूस किया है एवरीबॉडी यस सर फिर आता है ब्रोकन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं सो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं बैंक में गया बैंक में उधर लिखा है कि स्पॉट रेट तो स्पॉट रेट तो रह गई उसके बाद वो लोग ने लिखा है कि वन मंथ फॉरवर्ड टू मंथ फॉरवर्ड थ्री मंथ फॉरवर्ड बट मेरे को ना वन मंथ चाहिए ना टू मंथ चाहिए ना थ्री मंथ चाहिए तुम्हारे भाई को चाहिए टू एंड हाफ मंथ बोलो उसका क्या भाई मेरे को टू मंथ फिफ्टीन डेज में मेरे पास डॉलर आने वाला है तो मेरे को फॉरवर्ड चाहिए टू मंथ फिफ्टीन डेज का मैं क्यों फिफ्टीन डेज का रिस्क लू तो मेरे को एक्जैक्ट टू मंथ फिफ्टीन डेज का ही चाहिए तो ऐसे सिचुएशन को जहां पे स्टैंडर्ड फॉरवर्ड रेट अवेलेबल नहीं है इज कॉल्ड एज ब्रोकन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं उसको पब्लिक ब्रोकन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों ऐसा क्योंकि अब आप डेट्स को तोड़ने वाले मतलब आपके पास टू मंथ्स का है बच्चा आपके पास थ्री मंथ्स का है जो बीच का फिफ्टीन डेज वाला है ना दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट और एग्जांपल से एकदम इजीली समझ जाएगा ब्रोकन डेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कोटेशन इज नॉट रेडी अवेलेबल जैसे मेरे टू एंड के लिए थ्री मंथ बट अस्टमर कोर्ट फॉर टूथ एंड कैलक्यूलेट द रेट फॉर गन यूजिंग ब्रोकन डेट कॉन्ट्रेक्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेन आउ बता हूं दो मंथ का है एटी फोर मंथ का है एटी नाइन नाइनटी फोर सो ये एक महीने का डिफरेंस है फाइव और सिक्स का अब थर्टी डेज का चेंज है पांच तो पंद्रह डेज का चेंज कितना होगा बोलो बोलो टेल टेल इट विल बी टू पॉइंट फाइव अगर थर्टी डेज का चेंज है आस्क में सिक्स तो पंद्रह दिन का चेंज कितना होगा बोलो बोलो टेल टेल इट विल बी थ्री से टू मंथ फॉरवर्ड एटी फोर प्लस टू पॉइंट फाइव एंड एटी एट प्लस थ्री तो पंद्रह एक महीने का पांच का चेंज हो रहा है बिड में तो पंद्रह दिन का कितना होगा टू पॉइंट फाइव तो एटी फोर पे टू पॉइंट फाइव एड कर दिया नहीं समझे क्या टू मंथ्स का है तो वो तो बेस ले लिया थ्री मंथ्स का भी है तो डिफरेंस का टू पॉइंट फाइव का होगा तो एटी फोर था पंद्रह दिन का टू पॉइंट फाइव एड कर दो तो ये हो गया मेरा एटी सिक्स पॉइंट फाइव और ये हो गया मेरा नाइन वन एवरीबॉडी बोलो बोलो चल चल सो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट ओके नेक्स्ट है कंपेरिजन बिटवीन स्वॉप पॉइंट बीड एंड ये मैंने तुम लोग के लिए खाली एक ऐसे ही बनाया कई बार लोगों को बिड आस्क और स्वॉप पॉइंट सेम रखता है ना, ना 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 अलग अलग है बिड रेट क्या है बाइंग रेट आस्क रेट सेलिंग रेट बट फॉरवर्ड बिड बाइंग रेट इन फॉरवर्ड मार्केट फॉरवर्ड आस्क सेलिंग रेट इन फॉरवर्ड मार्केट आस्क माइनस स्प्रेड का डिफरेंस को बोलते हैं स्प्रेड फॉरवर्ड और स्पॉट के डिफरेंस को बोलते हैं स्वॉप ठीक है सो so, यहां पे देखो स्पॉट ए माइनस बी बिड माइनस आस माइनस बिड एंड फॉरवर्ड आस माइनस फॉरवर्ड बिड ये ये है एंड यहां पे जो स्वॉप पॉइंट्स है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड Got it, everyone? So, अगर कभी कंफ्यूजन हो स्वॉप में और स्प्रेड में तो आप ये मेरा टेबल यूज कर सकते हो होप बी डी एफ सी क्लियर हो गया होगा ब्रोकन डेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जितना भी चाहिए एक महीने का डेढ़ महीने का चाहिए का चाहिए तो वन मंथ का लो ठीक है बेस हो गया वन टू टू मंथ्स में कितना चेंज है देखो डेज के लिए उसको इंटरपोलेट करो उतना डेज का जो है कर दो किया था कि गया हाँ फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट सो यस ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइन ही है तो टेंशन लेने का बात नहीं है इफ वन डॉलर इक्वल टू रूपीज एटी टू एंड डॉलर इज ट्रेडिंग एट ए प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट So, यहां पे अपन लोग ऐड कर देंगे ये 10% वी विल गेट 90.2 लिखा है ट्रेडिंग डिस्काउंट ऑफ 10% देन रूपीज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट ऑफ 10% मैंने आपको क्या समझाया जिसके ऊपर भी वो अप्लाई करना है प्रीमियम या डिस्काउंट जिसके ऊपर भी अप्लाई करना है उसको आपको लाना पड़ेगा एट वन रुपी लेवल तो वन डॉलर इक्वल टू एटी टू दी है पर आपको रुपी ट्रेडिंग एट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट करना है आप करो अप्लाई कोई प्रॉब्लम नहीं है बट पहले रूपीज को वन रुपी पे लेकर आओ तो वन अपॉन एटी टू हो जाएगा इसमें से टेन परसेंट माइनस कर दो यू विल गेट जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंटेज टू बी अपलाइड इट विल बी अपलाइड बाई फर्स्ट कन्वर्टिंग द रिक्विजिट करेंसी एज पर इट्स करेंसी लेवल ज वन डॉलर वन रुपीज डन सो ये हो गया मेरा प्रीमियम एंड डिस्काउंट का पूरी तरह से क्लैरिटी अब आ जाते हैं अपन लोग अप्रीसिएशन एंड ऑफ करेंसी के ऊपर अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट बट यहाँ पे क्या सीन है पता है क्या said टू बी appreciate when बेस करेंसी becomes मोर एक्सपेंसिव वैसे प्रीमियम और उसमें भी था बट वहां पे क्या था फॉरवर्ड और स्पॉट को कंपेयर कर रहे थे यहां पे अपन लोग स्पॉट को ही स्पॉट से कंपेयर कर रहे हैं बट आज का स्पॉट और दो दिन बाद का स्पॉट बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है सो टूडेटी फाइव टूमटी तो, बोलते डौलर. डौलर तो ऐसे बोलते हैं अप्रीसिएट हुआ डॉलर इज सेट टू अप्रीसिएटेड तो आप ऐसा नहीं बोलते डॉलर इज प्रीमियम हुआ डॉलर का नहीं उसी दिन पे स्पॉट और फॉरवर्ड अलग अलग रेट का दिख रहा है प्रीमियम डिस्काउंट बट आज इतना था दो दिन बाद इतना हो गया अरे अप्रिस हुआ है अरे डप्रीसिएट हुआ है. Got it? A currency is said to have depreciate when base currency becomes cheaper with respect to the uh, pair currency it is being quoted against. $1.85 one, uh, and $1.00 equal to 80. In the above example, dollar is said to have depreciated with respect to Indian rupees. Person who wishes to buy $1 will now have to spend few or less rupees for the same dollar amount. Got it? Discount, प्रीमियम और डिस्काउंट इतना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्रॉस रेट ठीक है तो कई बार क्या होता है पता है क्या समझो कोई भलताची करेंसी uh, के साथ ट्रेड करना है तो सिर्फ फॉर एग्जांपल इंडिया में बैठा हूं मैं एंड मेरे को से फॉर एग्जांपल युगांडा के साथ ट्रेड करना है अब मेरा इंडिया का और युगांडा का कोई पेयरिंग करेंसी है ही नहीं ठीक है ना आज मेरे को और अमेरिका को ट्रेड करना है तो डॉलर रुपी का करेंसी का है वो लोग के साथ ट्रेड करना है तो मेरा और पाउंड का एक पैर है जर्मनी के साथ करना है का का और यूरो का एक पैर है बट अगर मेरे को युगांडा के साथ ट्रेड करना है देन इन दैट इज देर इज नो पैरिंग इन सच सिचुएशन कोई कॉमन करेंसी को लिया जाता है जैसे कि डॉलर तो इंडिया का डॉलर के साथ एक पेरिंग है डॉलर का युगांडा के साथ एक पेरिंग है उस डबल डुअल पैरिंग को कन्वर्ट करके अपने को इंडिया और रुपीज का इंडिया और युगांडा का पैरिंग मिल जाएगा दैट बेसिकली इज डन थ्रू द क्रॉस क्रॉस रेट रेट समझ में आया कब हो रहा है है जब डायरेक्ट अवेलेबल नहीं इन सच सिचुएशन यू विल हैव टू यूज द सिचुएशनसेप्ट ऑफ क्रॉस रेट क्रॉस रेट इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज नाइदर ऑफ विच इज द बेस करेंसी इन द पेर तो डॉलर रुपी चलो एक बेस करेंसी है डॉलर यूके एक बेस करेंसी है, है रुपीज और युगांडा का डॉलर है ही नहीं कोई तालमेल बट रूगांडा डॉलर के साथ है, इंडियन रुपीज डॉलर के साथ है। सर ऐसा कोई बीच में करेंसी नहीं हुआ तो ट्रेडिंग ही नहीं होगा बट ऐसा पॉसिबल नहीं है डॉलर सबका माई uh, बाप है तो डॉलर तो रहता ही है बीच में बाई डिफॉल्ट क्रॉस रेट अब इसमें ना ये लोग प्लान कर रहे हैं शायद डॉलर को बेस करेंसी ना रखे ऐसा जो व्हीकल करेंसी जिसको बोलते हैं वैसा ना रखे बट वो सब थोड़ा एकदम जियो में वो कभी अपन लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में आपके एग्जाम के बाद स्टे कनेक्टेड द क्रॉस रेट लेट मी नो अगर कमेंट्स में आपको आप मुझे बताओ कि आप लोग को जानना है ये सब चीजें डिटेल में कभी कि डॉलर टू कोई भी करेंसी है तो वो मूवमेंट कैसे होता है जैसे युगांडा है और डॉलर को ही ही क्यों क्यों करेंसी डॉलर बीच में क्यों पाउंड बीच में नहीं है क्यों डॉलर के डॉलर का इतना इंपॉर्टेंस है उसके पीछे सब रीजन है भाई कभी जानना हो तो बताना एग्जाम के बाद डेफिनेटली वी कैन डिस्कस इन डिटेल द क्रॉस रेट इज डिटरमाइंड बाय एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी अगेंस्ट अ कॉमन थर्ड करेंसी जिसको बोलते हैं व्हीकल करेंसी अभी जो मैं आप बोल रहा था ना व्हीकल करेंसी होता है बीच में दैट व्हीकल करेंसी इज यूज्ड मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां पे लिखा है यू आर जी बीपी तो अब यहां पे से फॉर एग्जाम्पल यू आर जीबी यूरोपी का डायरेक्ट नहीं है कनेक्शन तो ये लोग क्या करेंगे बीच में व्हीकल करेंसी यूएसडी को घुसाएंगे एंड दे विल ट्राई टू कैलकुलेट देयर रेट वो कैसे करते हैं उसको बोलते हैं व्हीकल करेंसी यूजिंग क्रॉस रेट्स तो अच्छा एवरीबॉडी सो राधर क्रॉस रेट्स यूजिंग व्हीकल करेंसी तो स्पॉट रेट अवेलेबल विद द यू आर यूएसडी तो कोई बात नहीं मैं जीबीपीट कॉन्सेप्ट एंड कैल्कुलेट द स्पॉट रेट ऑफ यू आर जीबीपी एंड यूज डॉलर एज इट वेहीकल करेंसी सो सपोज डॉलर रुपीज है अपने पास अपने को डॉलर यूरोउंड एंड पाउंड रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे cut, cut. आ, मिल गया समझ में आया इसको बोलते हैं मैथमेटिकल वे तो मैथमेटिकली ये दोनों अगर कट हो जाते हैं बाई सी है मल्टीप्लाई बाई बी बाई बी करो तो बाय डिफॉल्ट मेरे को बीड ऑफ ए बाय बी मिल जाएगा आर्क ऑफ ए बाई बी चाहिए तो आर्क ऑफ ए बाय सी करो मल्टीप्लाई ऑफ़ सी बाय बी करो अगेन सी सी कैंसिल आस्क ऑफ ए बाय बी मिल जाएगा so thus as can be seen from the above diagram, foreign currency as required is not available. We use an alternative currency called as the vehicle currency. Example मैंने लिया आप tension मत लेना जिससे आपको चीजों का clarity आ जाएगा. तो यहाँ पे मेरा example है. उससे you will come to know how does this work. Rule to also quote may be a by b but we need its b by a version. तो वो कैसे करेंगे? Direct quote को indirect quote में कैसे convert करते थे? यहाँ पे वही होने वाला है. अगर समझो मेरे को bid a by b दिया वा है एंड मेरे को बी बाय ए वर्जन चाहिए तो उसका वन बाय बी बाय ए करूंगा देन इन दैट केस आई विल गेट इट सो यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग एग्जाम्पल दिया है उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा रूपीज विल गेट दैट ठीक है टू गेट मोर क्लैरिटी कंफ्यूज हो गए चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं नॉट टू वरी सीयर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि सपोज रुपीज डॉलर इज इक्वल टू एटी and pound dollar equal to 0.9125 9525 so obviously नाइन फाइव टू फाइव सोवियसली यहाँ पे अपने पास direct rupees और pound का connection है नहीं जबकि अपने को find out करना है rupees by pound अब बात कुछ ऐसी हो जाती है कि rupees per dollar दिया हुआ है ठीक है pound per dollar दिया हुआ है अब अगर ये दोनों डायरेक्टली मैच हो जाते ना कि भाई ये दोनों कट हो जाए तो ठीक था बट वो तो पॉसिबल नहीं है सो इन शॉर्ट अगर मेरे को रुपीज बाय पाउंड चाहिए तो क्या मेरे को इसको मेरे को यहां आपको दिख रहा है इधर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टू डॉलर पाउंड तब टक टक कैंसल होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके रुपीज बाय पाउंड मिल जाएगा सो इन शॉर्ट इन शॉर्ट पाउंड डॉलर को मेरे को कन्वर्ट करना है डॉलर पाउंड में डॉलर पाउंड को फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा रुपीज डॉलर uh, को जो ऑलरेडी गिवन है उसके साथ एंड वी विल गेट द क्रॉस करेंसी रेट फॉर रुपीस पाउंड अच्छा एवरीबॉडी यस सर अब पाउंड डॉलर को डॉलर पाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो so, ये रहा, वो मेथड पे अटेंशन सो पाउंड डॉलर को डॉलर पाउंड में कन्वर्ट करना है करेक्ट अब बिड को कन्वर्ट करना है अपने को यहाँ पे बिड चाहिए इसका तो डॉलर पाउंड का मेरे को अगर बिड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा वन पाउंड डॉलर का आस्क करना पड़ेगा सो दैट वी विल गेट डॉलर पाउंड का बिड जो यहां पे लिखा है बिड ए बाय बी ए यहां पे है मेरा पाउंड एंड डॉलर सब हटा देता हूं बिड यहां पे है मेरा पाउंड और डॉलर पर मुझे चाहिए क्या चा, डॉलर और पाउंड सॉरी ये मेरे को चाहिए क्या मेरे को चाहिए डॉलर पाउंड ये मेरे को चाहिए बट मेरे पास अवेलेबल क्या है मेरे पास अवेलेबल है पाउंड और डॉलर तो बिड अगर उसका चाहिए तो मुझे वन बाय आस्क वन बाय आस्क क्या करना पड़ेगा पाउंड बाय डॉलर समझ में आया क्या अगर बिड आ गया तो बट आस्क आ ऑब आएगा वन कोड जैसा ही है बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कभी कभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे नीचे देखो डॉलर रुपीज दिया हुआ है और डॉलर यूरो दिया हुआ है आपको यूरो रुपीज फाइंड आउट करना है तो अगेन डॉलर को आप वहीकल करेंसी बनाएंगे बराबर है आपको यहाँ पे यूरो रुपीज फाइंड करना है तो डॉलर रुपीज दिया हुआ है डॉलर यूरो दिया हुआ है आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू यूरो डॉलर डॉलर यूरो है आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू यूरो डॉलर कैसे करोगे सो वन बाय आस्क वन बाय बिड जैसा अपन लोग ने यहां पे किया है बिड के लिए वन बाय आस्क और दूसरे का वन बाय बिड गॉट इट गाइस सो यहाँ पे देखो इसका आस्क है नाइन फाइव टू फाइव वन अपॉन नाइन फाइव आ गया वो इसका बिड बन गया और इसका बिड वो उसका आस्क बन जाएगा वन अपॉन पे जाके एंड दैट इज हाउ यू यूज द क्रॉस करेंसी फाइंड आउट करते हैं इससे आप क्रॉस रेट से जो आपको पैर चाहिए यू विल बी एबल टू फाइंड आउट राइट सो मेरा स्टार्टिंग एग्जाम्पल रुपीज युगांडा के बीच में है डॉलर मैं क्या करूंगा रुपीज डॉलर का एक रेट रहेगा डॉलर युगांडा का एक रेट रहेगा अगर मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकली क्रॉस ऑफ होता है तो ठीक है नहीं होता है तो एक को इन्वर्स करना पड़ेगा तो तो क्रॉस ऑफ हो ही जाएगा एग्जैक्टली आई विल डू दैट यूजिंग द क्रॉस रेट कॉन्सेप्ट एंड मेरे को आंसर मिल जाएगा अच्छा एवरी वन डन उसके बाद में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन एंड कमीशन चार्जेस के ऊपर कमीशन और मार्जिन एडेड वेन कस्टमर इज बाइंग द बेस करेंसी एंड डिडक्टेड वेन सेलिंग द बेस करेंसी इन जनरल है ना याद रखना आप कोई चीज बाय कर रहे से आप बाई करते हो तो कमीशन आप क्या करते हो उसने दस हजार रुपए का बाई किया ना, उसके वो पांच सौ कमीशन और मार्जिन इज एडेड बट जब समझो आपने दस हजार का कोई शेयर बेचा तो क्या होगा दस हजार का शेयर बेचा तो आपके पास दस हजार आना चाहिए पांच सौ रुपया कमीशन है ना वो माइनस करके आपको नौ हजार पांच सौ दे देगा कमीशन और मार्जिन डिडक्टेड व्हेन सेलिंग द एनीथिंग यू आर गोइंग टू सेल कमीशन डिडक्ट हो जाएगा वेन एनीथिंग यू आर परचेज कमीशन कभी भी एड हो जाएगा सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है म्यूचुअल फंड में भी अच्छा चलो अब आते हैं आर्बिट्राज के ऊपर आर्बिट्राज मतलब रिस्क फ्री प्रॉफिट तो कैसे आप ये रिस्क फ्री प्रॉफिट कर पाओगे अर्न बाय आइडेंटिफाइंग मार्केट so, इंपरफेक्शन मैंने एक एक्साम्पल लिया है आपको दिखाने के लिए कैसे मार्केट इंपरफेक्शन एग्जिस्ट करते हैं एंड हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम देम इट इज अल्टेनियस परचेज एंड सेल आर्बिट्राज होता क्या है ऑफ सेम एसेट इन इन डिफरेंट ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट ये देखो वन डॉलर इज इक्वल टू हपज हंड्रेड बैंक एक्स वन डॉलर इक्वल टू रुपीज हंड्रेड एंड टेन बैंक वाई बाय डॉलर अभी देखो एक जगह पे ये डॉलर सौ रुपए में मिल रहा है एक जगह पे डॉलर हंड्रेड एंड टेन में मिल रहा है क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में यस yes. आप कितनी बार आपको ये वेरिएशन uh, देखने को मिलेंगे फॉर द सेम कमोडिटी इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है एक जगह से जहां पे सस्ते में मिल रहा है वहां से बाय करना है जहां पे महंगे में है वहां पे सेल करना है बट इज इट दैट इजी आइए देखते हैं सो so यहां पे वन डॉलर इक्वल टू हंड्रेड एंड वन डॉलर इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन सपोज आपके पास है डॉलर टू थाउजेंड तो आप क्या करोगे सस्ते में कहां से मिल रहा है ंड्रेड यहाँ पे तो सेल डॉलर टू थाउजेंड टू बैंक वाई आपके पास डॉलर टू थाउजेंड है ना आप जाओ बैंक में सेल करो तो आपको ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज मिल जाएंगे वो ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज लेके जाके बैंक एक्स के पास जाओ हंड्रेड के हिसाब से कन्वर्ट करवा लो आपके पास डॉलर टू थाउजेंड टू हंड्रेड हो जाएंगे है जादू अभी था मेरे हाथ में डॉलर टू थाउजेंड अब हो गया डॉलर टू थाउजेंड टू हंड्रेड थैंक्स टू आर्बिट्राज यूजिंग करेंसी इम्परफेक्शन वाई सा वर्षा समझो आपके पास रूपीज है समझो आपके पास रुपीज टू थाउजेंड है आप बैंक एक्स जा में जाओगे रुपीज को कन्वर्ट करवा लोगे डॉलर में बैंक वाई के पास से उसी को री कन्वर्ट करवा के रुपीज में कन्वर्ट कर करवा दोगे टू थाउजेंड का टू थाउजेंड हो जाएगा दैट इज योर आर्बिट्राज कैन आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस सो आर्बिट्राज कैन बी डन ऑन वेरियस एसेट्स लाइक शेयर कमोडिटीज करेंसीज एक्सेट्रा अच्छा डन ओके अब ऑलरेडी में बता चुका हूं तो वो मैंने आपको पहले ही बताया एग्जाम टाइम पे एक घंटे की रिवीजन वीडियोस है तो प्लीज उसको 1.75 की स्पीड पे देखो धड़ाधड़ दर सब चीज आप लोग को रिकॉल हो जाएगी इन हार्डली फोर्टी फाइव मिनट्स टू वन आवर पूरा एक एक, एक, एक चैप्टर टू चैप्टर उड़ जाएगा और एकदम डिटेल में कराया मैंने अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो so, मतलब कॉन्फिडेंट वेरी 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 इन एग्जामिनेशन चलो अब आता है ड्यूअल आर्बिट्राज के ऊपर यहाँ पे तो क्या था एक करेंसी एक रेट हो गया चलो इजिली हो गया कोई भी कर सकता था ये तो बट जब दो आती है ना बिड और आस्क आता है ना दैट टाइम इज इश्यूज हैपन आओ देखते हैं कैसे करना है इसको सो बैंक रेट दिया है सेम चीज में एक डॉलर का या पे पे अब अगर, अगर आपको पे आर्बिट्राज सेट करना है दिस इज हाउ यू विल डू इट अब देखो मैं आपको एक मस्त आइडिया दिखाता हूँ आर्बिट्राज करने का ठीक है सुनो आपको एग्जाम में ये दो वाला ही आता है अब अगर, अगर आपके पास यहां पे देख रहे हो तो दो बिड है दो आस्क है बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना पड़ेगा चाहिए तो 1.5 1.75 को नॉर्मल स्पीड पे कर दो बट फुल फोकस के साथ सुनना दो है, दो आस्क है अब एक एक आस्क यूज होगा दूसरा बिड दूसरा आस्क यूज होगा दोनों को ट्रायल एंड एरर करने का जिसमें फायदा हो उसको यूज करने का नहीं समझे सर आओ मैं आपको बताता हूं देखो सपोज आप जाते हो बैंक में बाकलेस बैंक अच्छा अभी यहाँ पे वो तुम लोगों को मैंने बताया नहीं है बट फिर भी चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एंड दिस इज योर सिटी बैंक ठीक है बैंक बी आपका सिट्टी बैंक है आप गए बाकलेस बैंक में और बाकलेस बैंक से आपने बाय किया जब आप डॉलर को बाय कर रहे हो तो बैंक सेल कर रहा है बैंक सेल कर रहा है देन इन केस वो पे सेल करेगा चलो कर से, बाय किया, किया बैंक ने सेल किया है तो रेट आ गया मैंने बाय किया मैं जाके सेल कर दूंगा दूसरे जगह पे तो कहना सिटी में जाके सेल कर दूंगा मैं सिटी में सेल कर रहा हूं मतलब सिटी वाला बाय करेगा तो वो यहां पे बाय करेगा वो बाय करेगा बिड रेट के ऊपर ये इधर उसने ये रेट के ऊपर बाय कर लिया बेसिकली ये मेरा सेल रेट आ गया अब मैंने यहाँ पे बाय किया है ये रेट पे तो ये मेरा बाय का रेट आता है माइनस में मैंने सेल किया है सिटी को ये मेरा पॉजिटिव में आता है एटी फाइव पॉइंट फाइव फोर फाइव जीरो पे बाय किया एटी पे सेल किया अगर आप लोग नोट करोगे देन इन दैट केस यहां पे आ, मेरे को क्या हो रहा है फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है सीयर सेल एट आई सिटी मतलब बैंक विल बाय एंड हाँ तो एटी फोर पॉइंट फोर सेवन फाइव जीरो में एंड बाय एट बागले सो आई थिंक आंसर रॉन्ग है अच्छा है चलो फोकस करो इधर देखो आर्बिट्राज यहां पे नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि आपने बाय किया है एटी फोर पॉइंट एटी फोर को बाय किया है फोर सेवन फाइव जीरो पे सेल किया है तो यहां पे तो आपको लॉस हो रहा है अब बाजू में आ जाओ बाजू में आ जाओ अब यहां पे मैं ऑप्शन वन में अगर बागलेस पे बाय कर रहा था ऑप्शन टू में मैं बागलेस पे सेल करूंगा अगर मैं जाके सेल करता हूं बैंक बाय करेगा बैंक का बाइंग रेट देखो कितना है बच्ची बैंक का बाइंग रेट देखो एटी 84.45350 84 पे मैंने सेल किया है यहाँ पे एंड बाय एट सिटी तो अगर मैं बाय कर रहा हूं तो बैंक आ, सेल करेगा बैंक सेल करेगा आस रेट पे एटी पॉइंट फोर एट फाइव जीरो इस पे मैं इस पे मैं बाय करूंगा सो so, यहां पे मैं जब सेल करता हूं तो प्लस बाय करता हूं तो माइनस so obviously selling is giving me more so this results into an arbitrage and arbitrage exists and we will इधर भाई select और इधर अपना loss हो रहा था उधर reject the option समझ में आया आप लोगों को ठीक है थोड़ा हो गया हमारे आ, एडिटर साहब से बट आई होप यू आर नाउ क्लियर सो बहुत सिंपल लॉजिक है एक बाय एक सेल एक सेल एक बाय होगा ही मैं गया सबसे पहले बाकलेस के पास और उसको बोला मेरे को करना है तेरा तेरे यहां से डॉलर अगर मैं वहां से बाय करता हूं डॉलर तो वो सेल कर रहा है रेट पे मेरे को वो सेल करेगा मेरा बाइंग रेट हो जाएगा ये माइनस एटी फोर पॉइंट फाइव फोर फाइव जीरो फिर मैं जाके बैंक भी सिटी बैंक में सेल करूंगा मैं सेल करूंगा वो बाय करेगा तो उसका बाइंग रेट बिड रेट हो जाएगा एटी फोर पर मेरा सेल हुआ वो तो मेरा वो प्लस मैंने डाल दिया डिफरेंस ऑब्वियसली इफ सेलिंग इन माय केस इज लोअर देन बाइंग इट इज अ लॉस ऑप्शन वन रिजेक्ट ऑप्शन टू पे आ जाऊंगा मैं ऑप्शन टू पे अगर मैं देखता हूं तो मैं बाकलेस पे सेल कर रहा हूं तो बाकलेस मेरे से बाय कर रहा है तो उसका बिड रेट एटी सिटी बैंक का आस्क रेट फोर सो सिटी बैंक को मैं से मैं बाई कर रहा हूं तो वो मेरा बाई रेट ऊपर का सेल रेट इट इज गिविंग मी अ प्रॉफिट एंड वी विल से आर्बिट्राज एक्ट एंड सिलेक्ट द गि ऑप्शन तो दो ऑप्शन आपको रखने इवेल्युएट करने ही है जिसमें आपको लॉस आएगा उसको हटा दो उसको हटा दो और जिसमें आपको फायदा आएगा उसको कर लो फाइनल और बोल दो दिस इज अव आर्बिट्राज वर्कॉटेट एवरीबॉडी फिर आता है ट्राइंगुलर आर्बिट्राज यह भी एक गेम गेम uh, आपको ऐसा लगेगा कि चल रहा है। सो इट थ्री थ्री करेंसीज़ रिप्रेजेंटेड बाय कॉर्नर पॉइंट्स। वी वी विल विल स्टार्टिंग, स्टार्टिंग बी विद वन करेंसी, स्टार्ट करके यहां पे जाओ यहां से यहां पे जाओ फिर यहां पे आ जाओ. या लॉस तो प्रॉफिट हो गया तो वेरी गुड एग्जिस्ट लॉस हुआ केस उल्टा यहां से यहां पे यहां से यहां पे यहां से यहां पे दोनों में से एक में प्रॉफिट होगा ही होगा उसको चूज कर लो दैट बिकम्स योर ट्राइंगुलर आर्बिट्राज वन पार्थ विल रिजल्ट इन प्रॉफिट वेल द अदर पार्थ विल रिजल्ट इन लॉसेस सो आई होप समझ में आ गया होगा डुअल आर्बिट्राज एंड ट्राइंगुलर आर्बिट्राज सो यहां पे ध्यान रखना दो बिड दो आस्क एक जगह बाय करो तो उसका आस का जाएगा दूसरी जगह सेल करो उसका बिड वाला आ जाएगा आपको आपका देखना है आपने कितने में बाय किया है सामने वाले का आज, आपने कितने में सेल किया है सामने वाले का बिड देख लो पॉजिटिव इज मोर देन नेगेटिव तो एक आर्बिट्राज एग्जिस्ट नहीं है वापस से दूसरा वाला ट्राई करो पॉजिटिव शुड बी मोर देन द नेगेटिव इनफ्लो शुड बी मोर देन द आउटफ्लो एंड देर फॉर आर्बिट्राज एग्जिस्ट गॉट इट एवरीबॉडी और अब ये ट्राइंगुलर आर्बिट्राज का एक्साम्पल तो पे तीन करेंसीज मेरे को दिया हुआ है एक दिया है यूएसडी आई एक दिया हुआ जीबीपी आई एनआर एक दिया हुआ है जीबीपी यूएसडी देखते हैं जरा अर्बिट पॉसिबल है क्या अर्बिट्रेजर है यूएस डॉलर हंड्रेड लैक्स ठीक है अब उसके पास दो ऑप्शन है या तो वो यूएसडी से जीबीपी पे जीबीपी पे रूपीज रुपीज रुपी से वापस यूएसडी या यूएसडी से रुपीस पे आए तो वो देखो क्या कर रहा है वो यूएसडी से रुपीस पे आ रहा है ठीक है दोनों ट्राई करना है जिसमें प्रॉफिट हुआ उसको कर लो फाइनल तो यूएसडी से जब वो रुपीस पे आ रहा है तो दस हंड्रेड लाख यूएसडी है एक यूएस डॉलर का है फोर्टी एट पॉइंट थ्री तो कितने रुपीस आपको मिल जाएंगे तो हंड्रेड लाख इंटू फोर्टी एट पॉइंट थ्री इतना आ गया फिर आप रूपीज से जीबीपी पे जा रहे हो तो डिवाइड कर दोगे सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव टू से आपका जीबीपी आ गया फिर आप जीबीपी से वापस यूएसडी के ऊपर जा रहे हो तो तो मल्टीप्लाई कर दिया जो उसका यूएसडी जीबीपी का रेट है एंड आपके हाथ में आ गया आ, टेन हंड्रेड लैख के जगह हंड्रेड एंड वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड नाइन एटी सिक्स तो वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड नाइन एटी सिक्स हो गया आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट अगर यहां से नहीं आया होता यू कैन डू द रिवर्स यू विल गेट द आंसर गॉट इट एवरीबॉडी इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर आर्बिट्राज विद दिस मतलब से से डॉलर बाय का ट्रांजेक्शन कर रहा हूं साइमल्टेनियसली मैं अपने ट्रांजेक्शन को कवर करूंगा बाय सेलिंग इट मतलब एग्जाम्पल मेरा कोई किराना का दुकान है या मेरा कोई ज्वेलरी शॉप है तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस किसे अगर आज मेरे पास ज्वेलरी में आ, एक किलो ज्वेलरी पड़ा है मेरे पास कोई कस्टमर को तो को, को तो करेंसी तो को, के लैंग्वेज में बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कपड़े का दुकान है मेरे पास दस कपड़े पड़े बेचने के लिए तीन चार कपड़े लेके गया कोई कस्टमर तो वो तीन चार मेरे को रिफिल भी तो करने पड़ेंगे बराबर है उसको बोलते हैं कवरिंग द ट्रांजेक्शन तो मेरे पास अगर डॉलर है मैंने डॉलर को सपोज और बाय किया तो मैं सामने कहीं और

स्टॉक वाला जो केस है जैसे ज्वेलरी है या आ, मेरा कपड़ा है तो वहां पे तो मेरे को कवर करना है ट्रांजेक्शन तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा तो मैंने ज्वेलरी सेल किया है मैं सामने वापस बाय कर लूंगा कपड़ा सेल किया वापस बाय कर लूंगा यहाँ पे दोनों होता है मैं कभी कभी आ, बोलते हैं ना डॉलर को सेल भी करता हूं कभी कभी डॉलर को बाय भी करता हूँ तो डॉलर को बाय करो तो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है। सामने मैं सेल का ट्रांजेक्शन ले लूंगा और ऐसा सेल का ट्रांजेक्शन बिठाऊंगा कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए आओ देखते हैं बिजनेस सेल्स इज गुड्स टू अ कस्टमर इट विल ट्राई टू रिप्लेस द गुड्स विद न्यू वंस परचेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इन द सेम वे बैंकर्स एंड ऑथोराइज डीलर्स ऑल्सो रिप्लेस द फॉरन करेंसी विद द न्यू विद्यूंस दैट इज टेकिंग अ काउंटर पोजिशन और ऑपोजिट पोजिशन

ध्यान रखना कस्टमर आपके को कुछ बेचने के लिए आया तो बैंक में बाय किया कवर करने के लिए आप क्या करोगे ऑपोजिट सेल कर दोगे अच्छा एंड एन वाइसा अगर हुआ तो यू डू दैट तो ये खाली आपको जो एग्जाम्पल बताया वो है फिर बाद में एक आता है जिसको बोलते हैं लीडिंग लीडिंग एंड लैगिंग का मतलब होता है कि आप आपका पेमेंट एडवांस में कर दो और लैगिंग का मतलब होता है कि आप आराम से करो जैसे आपकी पढ़ाई सो so, आइडियली जो रैंकर होता है वो लीड करता है मतलब वो एडवांस में पढ़ाई करके रखता है बट अगर आप नहीं करोगे देन इन दैट केस आप लैग हो जाओगे और आपको लो पोर्शन बाकी इतना सारा पोर्शन बाकी है सो ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू लीड एज कंपेर टू लैग इन स्टडीज बट यहां पर फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन में यूजली ये इंपोर्टर के लिए यूज होता है क्योंकि इंपोर्टर को पैसा देना है अब उसके पास दो ऑप्शन है या तो वो ध्यान से सुनना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सीधा या तो वो लीड करे लीड करे मतलब अपने लोकल बैंक से रुपीज ले ले लोन पे उस रुपीज को कन्वर्ट करवा दे डॉलर में और डॉलर भेज दे अपने जो जिससे उसने इंपोर्ट किया हुआ है तो इसको बोलते हैं लीड अब इसमें उसने उधर भेज दिया मेरे जो लोन लिया है उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो आज स्पॉट पे मैंने वो डॉलर दे दिया तो वो एक मेरा कैश आउटफ्लो हुआ प्लस जो मेरे को इंटरेस्ट देना है वो मेरा कैश आउटफ्लो होगा या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है लैग का लैग का ऑप्शन बोलता है कि अभी मत दो अभी किसी के पास से लोन मत दो अभी कुछ पैसा मत दो तीन महीने बाद ही देना तो तीन महीने बाद जब आप देते हो तो डॉलर तो आप दे दोगे तीन महीने बाद बट तीन महीने बाद डॉलर का फ्लक्चुएशन हो जाएगा करेंसी का उसकी वजह से अगर आपको कुछ लॉस या फायदा जो भी होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग एंड लैगिंग देखो इनवॉइस अमाउंट ड्यू तो सेम ही रहने वाला है पब्लिक वो तो सेम ही रहने वाला है उसका अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो लीड का मतलब टू डू इमीजिएटली लैग का मतलब टू डू लेटर पढ़ाई क्या करते हैं अपन लैग टाइम पास क्या करते हैं अपन लोग लीड वाव LNL refers to timing of payments, delaying or advancing an international business agreements to take advantage of a more favorable or anticipated exchange rate changes. Usually used by the importer. Kabhi bi koi payment due hai by the importer, evaluation will be done based on pay now by taking loan, pay later at currency exchange risk. Accordingly, we will need to evaluate the best financial decision. Ab lead hai, lag hai. Lead mein payment received earlier than normal, beyond the normal. इनवॉइस अमाउंट ड्यू इन फॉरेन करेंसी वो तो सेम ही रहने वाला है अब अगर मैं लीड कर रहा हूं तो इंटरेस्ट रेट बाय सप्लायर ऑन डिलेड पेमेंट लीड में तो आएगा ही नहीं क्योंकि मैं डिले कर ही नहीं रहा हूं लैग में आएगा तो वो इधर एड कर दो ठीक है फिर जो भी एक्सचेंज रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा आपके लोकल करेंसी में आउटफ्लो अगर आपने लीड किया होगा तो आपको ये आउटफ्लो तो इमीडिएटली आपको मिल गया पर साथ में इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा है नहीं और सिर्फ एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे लैग किया है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कई बार पे करना पड़ता है यहां पे से अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज बाय द सप्लायर ऑन डीलर ऑन पेमेंट वो करना पड़ेगा प्लस आपको फॉरेक्स रेट्स का जो भी चेंजेस है वो करना पड़ता है तो यहां पे अगर आपका एक्सचेंज रेट ऑन लैग डेट आपके फेवर में नहीं है इट कैन रिजल्ट अ लॉस समझ में आया सो so, जब आप लैग करते हो तो आपको दो चीज का ध्यान में रखना है कि आप लैग कर रहे हो उसकी वजह से आपका सप्लायर आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करने वाला है पहला और दूसरा एक्सचेंज रेट ऑन लैग डेट कितना है वो डिफरेंस के हिसाब से आपका टोटल आउटफ्लो कितना आ रहा है, बट अगर आप लीड कर रहे हो तो लीड कर रहे हो तो ऑन द स्पॉट पेमेंट तो कर दोगे तो उस दिन का आउटफ्लो बट उसकी वजह से जो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा उटलोज टू बी कम बिटवी होगा But मैंने लोन लेके पेमेंट किया है तो वो लोन का जो भी ड्यूरेशन है उसका इंटरेस्ट रेट मेरे को एड करना पड़ेगा सामने अगर मैं लीड लैग uh, कर रहा हूं देन इन दैट केस में डीले कर रहा हूं पेमेंट तो उसका अगर कुछ इंटरेस्ट पे करना है तो वो प्लस एक्सचेंज रेट का जो चेंजेस आ रहा है वो मेरे को बेयर करना पड़ेगा ए एग्जाम्पल है अगर लीड करना है तो पेमेंट आप आज ही कर दोगे आज के रेट के ऊपर प्रेजेंट रेट के ऊपर आप आज पेमेंट कर दोगे हंड्रेड थ्री फोर्टी एन के हिसाब से बट आपको देखो दो क्वार्टर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और अगर आप लाइक करते हो देन इन दैट केस आपका जो करेंसी का कन्वर्जन चार्जेस है वो यहाँ पे आएगा इंपैक्ट और आपने कुछ भी अगर डिले किया है तो उसका जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसका इंपैक्ट आपको लेना पड़ेगा लीड एंड लैग एंड देन सी कहां आपको फायदा है यूज दैट फिर आते आते लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर उस कॉन्सेप्ट का नाम है आई आर पी जिसको बोलते हैं अपन लोग इंटरेस्ट रेट पैरिटी इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई है तो उस कंट्री का फॉरेन करेंसी ज बी एट डिस्काउंट मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल दो कंट्री का मैं बात करता हूं ठीक है ऑलवेज रिमेम्बर अपन लोग का फॉरिक्स चैप्टर ही इसीलिए क्योंकि दो कंट्रीज का करेंसी है पैर में चल रहा है तो बाई डिफॉल्ट मैं जब आपको बोल रहा हूं एक कंट्री का करेंसी तो बाई डिफॉल्ट इट इज कंपेयर विद अदर सो एक करेंसी है डॉलर एक करेंसी है रुपीज समझो इंडिया का इंटरेस्ट रेट हायर है तो इंडिया का करेंसी विल बी एट डिस्काउंट समझो यूएस का इंटरेस्ट रेट हायर है तो यूएस का करेंसी विल बी है डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज ऑलवेज एप्लीकेबल थ्रू आउट द ग्लोब और इसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी सो इंटरेस्ट रेट अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो इंडिया का टेन परसेंट है यूएसए का फोर परसेंट है तो सिक्स का इंटरेस्ट रेट हायर है, तो है इंडिया में

आज स्पॉट रेट है फिफ्टी इंटरेस्ट रेट इंडिया में टेन परसेंट यूएसए में फाइव परसेंट सो आइडियली जो एक साल तक का भी ये रेट है 5 का डिफरेंस है, तो करेंसी में चेंजेस कितना आना चाहिए का? आइडियली होना चाहिए अगर नहीं हो तो इसकी वजह से अपने को का मिल सकता है. अब अगर आप लोग ये नोट करोगे ना तो ये देखो क्या ये मैच हो रहा है फ्रॉम इन इन्वेस्ट इन इंडिया है तो उसने बोरो के रेट फाइव परसेंट तो एक साल के बाद उसको $1, 000, $1, 000 पे करना है, वो उसने इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर दिया क्यों इंडिया में आकर इन्वेस्ट किया क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट रेट हाई है तो अपन लोग ने इंडिया में फिफ्टी थाउजेंड में इसको कन्वर्ट किया इंटरेस्ट रेट हाई है तो अच्छे इंटरेस्ट रेट पे इसको इन्वेस्ट कर दिया रूपीज फिफ्टी फाइव थाउजेंड आ गया कन्वर्सन किया उसको डॉलर वन जीरो के साथ तो आइडियली फिफ्टी टू पॉइंट आना चाहिए एंड वही फाइव परसेंट का डिफरेंस है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेक्स कन्वर्जन रेट इफ द फॉरेक्स डज नॉट ऑटो एडजस्ट इट सेल्फ देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल विल गिव राइज टू आर्बिट्राज गेन जो अपन लोग आई आर आर एम में भी पढ़ चुके हैं जो अपन लोग डेरेवेटिव भी आइडिया इसका ले चुके हैं गॉट इट अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए फॉर दैट वी हैव द फॉर्मुला फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू स्पॉट इनटू ध्यान से सुनिएगा स्पॉट इनटू सेन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक और वेरिएबल करेंसी अपॉन वन प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉरेन और बेस करेंसी अब इसमें ड्यूरेशन देखना पड़ेगा आपको अगर ड्यूरेशन लेस देन वन ईयर है तो जो भी इंटरेस्ट रेट है इनटू टू एन बाइ ट्वेल्व सो थ्री मंथ्स का है थ्री बाय ट्वेल्व थर्टी डेज का है थर्टी बाय थ्री सिक्सटी फाइव सो ऑन एंड सो फोर्थ बट अगर मोर देन वन ईयर है तो आपको रेस टू एन करना पड़ेगा सो so फॉर्मूला क्या बोलते हैं आई आरपी का फॉरवर्ड रेट अगर आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दो कंट्रीज का और आपको उसके बेसिस पे फॉरवर्ड रेट फाइन करना है तो आप कर सकते हो यूजिंग द येसूजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी तो क्या है इसका फॉरवर्ड रेट एवरीबॉडी टेल मी स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्योंकि अपने पास ही अवेलेबल है नीचे भी वन प्लस इंटरेस्ट ऊपर अपने को बेस करेंसी का लेना है नीचे सॉरी अप, ऊपर अपने को वेरिएबल करेंसी का जिसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका लेना है नीचे अपने को बेस करेंसी का लेना है एंड दैट विल गिव यू द आंसर अगर मंथ्स में है कर दो इंटरेस्ट रेट के साथ बट अगर इट इज इन केस ऑफ मोर देन वन ईयर तो आपको रेस्ट टू एन करना पड़ेगा clear? Okay. Now, अपने को उल्टा रिवर्स वर्किंग करना है तो वो भी कर सकते हैं समझो आपके पास फॉरवर्ड रेट है स्पॉट रेट है तो आप एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन भी कैल्कुलेट कर सकते हैं जो अपन लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपन स्पॉट इन टू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व बाय एन याद आया कुछ

का डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट होना चाहिए विच इज अप्रोक्सिमेटली सेम अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं मैं आर्बिट्राज कैसे आएगा वन इक्वल टू डॉलर यूएस का इंटरेस्ट रेट थ्री परसेंट जर्मनी का इंटरेस्ट रेट टू पॉइंट फाइव परसेंट तो ऑब्वियसली अगर यूएस का रेट ज्यादा है तो यूएस विल ट्रेड एट डिस्काउंट इन द फॉरवर्ड मार्केट तो यहां पे देखो वन पॉइंट थ्री फोर थ्री फाइव वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो थ्री इंटू थ्री बाय ट्वेल्व जो वेरिएबल करेंसी है उसका इंटरेस्ट रेट जो बेस करेंसी है उसका इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटर में रहेगा एंड आइडियल फॉरवर्ड रेट आ रहा है सोल्व करते हो वन पॉइंट थ्री फोर फाइव टू माइनस वन पॉइंट स्पॉट करते हो आपको मिल जाएगा एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन और वो है ये दोनों का डिफरेंस ऑफ पॉइंट फाइव परसेंट ए समझू एवरीबॉडी बोलो यस yes, डन अब

एनअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन का परसेंटेज आया ये भी पॉइंट फाइव परसेंट आया तो ये दोनों सेम है तो अपने को हर्ष कोई टेंशन नहीं है बट अगर ये इक्वल नहीं है बट अगर ये इक्वल नहीं है तो इंटरेस्ट ऑफ वेरिएबल करेंसी

USA का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, अगर वो सेम है जैसा ऊपर था तो टेंशन नहीं है बट अगर वहां एम इज मोर हैव टू वेरिएबल करेंसी एंड इन्वेस्ट इन बेस करेंसी एंड अगर वाइस वर्सा हुआ then in that case, आपको बोरो करना है बेस करेंसी में एंड इन्वेस्ट करना है वेरिएबल करेंसी में।

तो जैसे मेरे पास फाइव परसेंट और टेन परसेंट है मैं इमीडिएटली भागूंगा और कैलकुलेट करूंगा कि क्या आइडियली फॉरवर्ड रेट होना चाहिए तो आइडियली फॉरवर्ड रेट यहां पे मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये टू परसेंट का डिफरेंस है ए एफ एम और यहाँ पे फाइव परसेंट का डिफरेंस है सो so, मेरे को पता चल गया है कि फॉरवर्ड मार्जिन एनुअलाइज फॉरवर्ड मार्जिन टू परसेंट का डिफरेंस है और मेरा जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वो फाइव परसेंट का है मतलब बॉस क्लियर कट आर्बिट्राज का स्कोप है जब ए एफ एम इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यहां पे देखो वेन ए एफ एम इज लेस देन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बोरो इन बेस करेंसी यहां पे बेस करेंसी क्या है डॉलर है तो डॉलर में अपन लोग बोरो करेंगे ध्यान से देखना बोरो वन थाउजेंड डॉलर इन यूएसए फॉर फाइव परसेंट तो एक साल के बाद वन जीरो फाइव जीरो पे करना पड़ेगा ये जो बोरो किया इमीजिएटली जाओ इंडिया में इन्वेस्ट करो इंडिया में इन्वेस्ट करके आपको फिफ्टी फाइव थाउजेंड मिला एक साल के बाद आपको तो आपने तो आपने फॉरवर्ड फ्रीज कर दिया था वन ईयर फॉरवर्ड फ्रीज कर दिया था डॉलर डॉलर इक्वल टू के हिसाब से तो आपको मिल जाएगा कन्वर्जन पे वन जीरो से वन डॉलर वन जीरो पे कर दो यू विल गेट डॉलर ट्वेंटी एट का कन्फर्म आर्बिट्राज गेन तो गेम किसका है ए एफ एम मार्जिन परसेंटेज फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट का कंपेरिजन विद इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इफ इट इज इक्वल नो प्रॉब्लम बट इफ इट इज डिफरेंस देन इन दैट केस आपको मिलता है आर्बिट राज का ऑपॉर्चुनिटी ए एफ एम ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो आपको बॉरो करना है वेरिएबल करेंसी एंड वैसे वर्षो आपको बॉरो करना है बेस करेंसी में एवरीबॉडी इस इस एग्जांपल को ध्यान में रखना एंड यू बी एबल टू मैनेज इट इसी का भाई है परचेसिंग पावर पैरिटी जो बोलता है कि भाई जैसे इंटरेस्ट रेट है ना वैसे इन्फ्लेशन का भी काम है इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस है इंडिया का इन्फ्लेशन टेन परसेंट यूएसए का इन्फ्लेशन फाइव परसेंट वो इन्फ्लेशन रेट विल बी ऑफसेट बाय करेक्ट द करेंसी रेट वो कैसे कैलकुलेट करते हैं सेम स्पॉट रेट इंटू बस यहां पे वन प्लस इंटरेस्ट की जगह इन्फ्लेशन रेट अपॉन इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी सो पे देखो वन मैंने एक मस्त एग्जाम्पल लिया आपको इससे पूरा क्लैरिटी आ जाएगा वन इक्वल टू रुपीज फिफ्टी अब इन्फ्लेशन रेट है नाइन परसेंट स्पॉट रेट के हिसाब से अगर आज मेरा कैलकुलेटर एक मेरा कैलकुलेटर यहां पे कह रहे हैं ये रहा आज मेरा कैलकुलेटर है हजार रुपए का इन्फ्लेशन है इंडिया में नौ परसेंट ऑफ कैलकुलेटर शुड बी नाइन जीरो का भाव एकदम सेम इन्फ्लेशन रेट है टू परसेंट सो तो आइडियली रेट ऑफ आफ कैलकुलेटर आफ्टर वन ईयर इन जर्मनी शुड बी पाउंड यूरो अब मैं अगर यहां परीरो को कन्वर्ट करता हूं 20.40 के हिसाब से 20.40 के हिसाब से तो रेट आ रहा है 53.43 मेरा यहां तो रेट कुछ और है तो दिस विल गिव राइज टू आर्बिट्राज कन्वर्जन इफेक्ट ये देखो यहां इन्फ्लेशन so, के डिफरेंस के हिसाब से इन दोनों का रेट कितना होना चाहिए इन दोनों का रेट होना चाहिए वन इज इक्वल टू फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर थ्री अब अगर फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर थ्री नहीं है फॉरवर्ड में देन इन दैट केस आपको समझ गया आपको क्या करना है यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्राज समझ गए ना बेटा सो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए फॉरेक्स रेट इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट ऑफ कैलकुलेटर 1.090 इंडिया में एक साल बाद हो गया पे यूरो 20.4 करो इन दोनों को डिवाइड 53.43 का रेट आइडियली बैठना चाहिए बैठा तो ठीक नहीं बैठा तो चल क्लियर एवरीबॉडी अच्छा रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया एट परसेंट यूएसए फोर परसेंट करंट स्पॉट रेट फोर्टी सिक्स

मल्टीप्लाई बाय वापस से वही कर दो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया मैंने ना यहाँ पे गेम खेला है जिससे पब्लिक कंफ्यूज हो फोर्टी सिक्स जो स्टार्टिंग का रेट है ना वही लिया बट मेरा ये थर्ड ईयर है ना तो याद रखना इधर रेस टू वन है इधर रेस टू टू होता है बट मैंने रेस टू टू क्यों नहीं किया क्योंकि मैंने 47.7 सेवन पॉइंट कोई बेस ले लिया तो इधर वन का ही रहेगा बट अगर मैं बेस 46 जो ओरिजिनल था उसी को रखता हूं तो इधर मेरा डिवाइड बाय रेस टू थ्री हो जाएगा रेस टू थ्री हो जाएगा 46 को ही रखता हूं तो रेस टू फोर हो जाएगा रेस टू हो जाएगा मैंने बोला था ना एक साल से ज्यादा हुआ तो वन प्लस फॉरवर्ड रेट रेस टू एन होता है और एक उसका ही हुआ तो वन प्लस इंटरेस्ट रेट इन टू एन बाय ट्वेल्व होता है याद आया समझे आया एवरीबॉडी सो दिस इज हाउ द परचेसिंग पावर पैरिटी इफेक्ट वर्क अब आता है आपका इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट फिशर क्या बोलता था उसका सीधा आप यहां में में, ने किया है सो नॉमिनल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट विल नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ डिटेल बट फॉर्मुला बाय फिशर व्हिच कैन बी यूज्ड इज 1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल इंटरेस्ट रेट एंड इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट मैजिक बुक का आप uh, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कर लेना आपको इन दोनों का कनेक्शन मस्त में एकदम समझ में आ जाएगा बेसिकली उसका भी कहने का मतलब यही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस इंटरेस्ट रेट डिफरेंस इन्फ्लेशन रेट डिफरेंस सब सेम ही होना चाहिए अगर नहीं है तो आर्बिट्राज और उसने एक फॉर्मूला निकाला नॉमिनल इंटरेस्ट इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन बस पे उसको इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग प्रेजेंट करना होता है तो वन प्लस नॉमिनल इज इक्वल टू वन प्लस रियल इन टू वन प्लस इन्फ्लेशन समझो एवरीबॉडी अब इसके ऊपर हेजिंग टूल के ऊपर जिसका नाम है मनी मार्केट हेज विच कैन बी आस्ट इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉरवर्ड में आप क्या करते हो पता है मैं आपको बता दू मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड का डिफरेंस फॉरवर्ड में आप रेट फ्रीज कर देते हो वैसे ही मनी मार्केट में है ना अमाउंट फ्रीज हो जाता है इफ यू आर एन इंपोर्टर इफ एक्सपोर्टर आपको कितना अमाउंट एज एन एक्सपोर्टर मिलने वाला है तीन महीने बाद इन टर्म्स ऑफ योर करेंसी फ्रीज हो जाएगा आज ही आपको पता चल जाएगा वहां पे फॉरवर्ड में क्या होता है रेट फाइव फ्रीज हो जाता है यहां पे इफ आर एन इंपोर्टर आपको कितना पे करने आने वाला है आपकी करेंसी में वो आज ही पता चल जाएगा अमाउंट के साथ

इंडियन एक्सपोर्टर होना आपको फॉरेन करेंसी में बोरो करना है तो अब अगर वन डॉलर इक्वल टू है तो आज आप बोरो करोगे कितना बोरो बोरो करोगे यू विल सच अमाउंट के एक साल बाद जो आपको डॉलर वन थाउजेंड आप एक्सपोर्टर हो तो आपको पैसा मिलने वाला है तो एक साल बाद आपको जो डॉलर वन थाउजेंड मिलने वाला है ना वो सीधा का सीधा आप जो बोरोड अमाउंट है उसका विद इंटरेस्ट पे ऑफ कर दो तो आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा तो कितना बोरो करू साल बाद करूगा डॉलर हो जाए तो फ्यूचर वैल्यू वैल्यू टू वैल्यूजल फ्यूचर वैल्यू मेरे पास है आ, आर मेरे पास है इंटरेस्ट यूएसए का टेन फाइव परसेंट नंबर ऑफ यूर्स है वन so यहां पे मेरा आ गया नाइन फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट वन डॉलर तो आज नाइन फिफ्टी टू पॉइंट थ्री एट वन डॉलर बोरो करूंगा एक साल बाद वो वन जाएगा एक्सपोर्टर को बोलूंगा आया है, उसको मैं कर दूंगा, रुपीज में डॉलर के हिसाब से और उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो आज मैंने फोर्टी सेवन सिक्स वन नाइन में इन्वेस्ट किया है टेन परसेंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है फिफ्टी टू थ्री एटी वन मेरे को एक साल के बाद रूपीज मिल जाएगा और मेरा जो एक्सपोर्टर है उसको जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया जो मेरा इंपोर्टर है उसको मैं बोल दूंगा चल सीधा मेरा तू बोरो का लोन प्लस इंटरेस्ट पे कर दे तो वो उधर ऑफसेट हो गया तो वो उधर पेमेंट कर देगा तो ऑफसेट हो गया इधर मेरे को 52381 मिल जाएगा मेरी करेंसी में आई एम हैप्पी समझे बट आपको ध्यान में रखना है इफ यू आर एन एक्सपोर्टर और आपको मनी मार्केट हेज करना है तो यू हैव टू बोरो इन फॉरेन करेंसी तो सर अगर मैं इंपोर्टर हुआ तो क्या होगा एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट आप करेंगे अगर आप इंडियन इंपोर्टर है तो आपको इन्वेस्ट करना है इन फॉरेन करेंसी तो इन्वेस्ट करने के लिए बोरो से करना पड़ेगा लोकल करेंसी में तो so, आप बोरो करेंगे लोकल uh, करेंसी में फ्रॉम इंडिया एंड इन्वेस्ट कर देंगे यहां पर इन्वेस्ट कितना करोगे, इतना इन्वेस्ट करोगे कि एक साल बाद आपके इंपोर्टर को जो आपको पे करना है तो आज मेरे को इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट एक हजार डॉलर uh, मेरे को चाहिए तो आज मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा पब्लिक नाइन 952.381 952 इन्वेस्ट करने के लिए मुझे इंडिया में कितना बॉरो करना पड़ेगा पब्लिक 47619 नाइन फिफ्टी टू यहां पे मेरे को बोरो करना है आज का रेट है से है सो नाइन फिफ्टी टू डोंट नो कुछ मिस uh, ये हो गया बट जो भी है आज के रेट के हिसाब से मैं करूंगा इसको तो फोर्टी सेवन सिक्स वन नाइन आ रहा है दस परसेंट uh, पे एक साल बाद मेरे को मिलेगा फिफ्टी टू थ्री एटी वन ठीक है, है, so, मेरे को pay off करना तो so, so, उसको मैं 52, पे कर दूंगा. वहाँ पे मैंने जो इन्वेस्ट किया था ना नाइन फिफ्टी टू डॉलर में वो इंटरेस्ट के साथ मुझे वन थाउजेंड डॉलर मिलेगा वो इंटरेस्ट के साथ वन थाउजेंड जो डॉलर है वो मैं आगे जिससे मैंने इंपोर्ट किया है उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सो so, ये वाला डॉलर मेरे उसके पास दूर पार चला जाएगा तो वो वन थाउजेंड डॉलर उसके सामने ऑफसेट हो गया यहां पे मेरे को जो मैंने बोरो किया था उसका जो पेमेंट करना है फिफ्टी टू थ्री एटी वन दैट बिकम्स माई रियल कॉस्ट इन माय लोकल करेंसी तो कितना पैसा मेरे को एक साल बाद पे करने को आने वाला है वो मेरे को यहां से ही पता चल जाता है अगेन आई एम टेलिंग यू समझ में आया सो ये देखो अगर आप इधर मैंने आपके लिए सिंपलीफाई भी कर दिया एक फॉर्मेट के थ्रू सो so, अगर आप फॉरेन करेंसी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर है मतलब आप एक्सपोर्टर है तो इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक करेंसी बट आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा प्रोसेस बोरो इन फॉरन करेंसी से होगा कितना बोरो करेंगे सच दैट इतना बोरो करूंगा मैं कि such that मेरे को जो एक्सपोर्टर से मिलने वाला है पैसा वो सीधा का सीधा इंटरेस्ट तो इतना मैं बोरो करूंगा बोरो करके इमीजिएटली इन्वेस्ट कर दूंगा मेरे डोमेस्टिक करेंसी में इंटरेस्ट मेरे को जो भी मिलेगा उतना मेरे को पैसा मेरा आ गया रुपीज में अमाउंट टू बी रिसीव इन फ्यूचर गॉट इट गाइज सेम वे अच्छा कितना है? है. तो ये amount to be borrowed है. And, अगर मेरा मेरा अगर मैं, जो इंपोर्टर को पे करना है उतना मेरे को इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाए कैसे करेंगे कैलकुलेट एफ इज इक्वल टू पीवी वन प्लस आर रेस टू एन अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड समझ में आ गया इससे जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे मैं जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका मैं इधर ये कर दूंगा अच्छा मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरो करना पड़ेगा कितना बोरो करना है करेंसी के कन्वर्जन से मुझे पता चलेगा इतना बोरो करना है एड कर दूंगा इंटरेस्ट अमाउंट टू तो पेड इन फ्यूचर आ गया मेरा मनी मार्केट के हिसाब से इंपोर्टर का मनी मार्केट हैच ऑब्जर्वेशन

आपके फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मैंने यहां पे एकदम सिस्टमेटिकली सिंपल वे में सब चीज वर्कआउट करके बता दिया है आपको खाली इसको फॉलो करना है बट आइडियली फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिटेल है अगर आपको चाहिए कि फेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं डिटेल में देन इन दैट केस आपको कमेंट में यहां पे डालना पड़ेगा कमेंट्स अगर आपके आए कि हाँ सर मुझे समझना है डिटेल में तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल बट फॉर नाउ ऑब्वियसली रिविजन पर्पज के लिए आपको जितना आइडिया होना चाहिए तो जब आप ये ओपन करेंगे फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है एक हो सकता है कि भाई यहां पे आ, जो डिलीवरी है वो टाइम पे हो जाए तो एक होता है डिलीवरी एक होता है कैंसलेशन एक होता है एक्सटेंशन एक होता है रोलवर अगर डिलीवरी वाला सिचुएशन है तो तीन बातें हो सकती है डिलीवरी ऑन ड्यू डेट कोई टेंशन ही नहीं तो जो रेट फ्रीज किया था उस रेट पे अपन लोग कंटिन्यू करेंगे अर्ली डिलीवरी हो गया तो दो मेजर कॉस्ट लगेंगे एक स्वॉप डिफरेंस का एक इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड का कैसे स्वॉप डिफरेंस और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड करना है कैलकुलेट ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया आप अभी इंस्टीट्यूट का कोई मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन ओपन कर लो और इसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो यू विल गेट द आंसर तो अगर आपने यहां पे अर्लियर सेल डॉलर फॉरवर्ड किया हुआ है एज अ कवर तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डॉलर फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा एंड स्पॉट को सेल करना पड़ेगा तो ये आपको एक फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने इधर प्रोसेस सेट किया है फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे फिर बाद में आप लोग कोई टेंशन नहीं है अगर आपने पहले एज अ कवर कवर करते हैं ना बोलो कवरिंग द ट्रांजैक्शन तो एज अ कवर आपने बाय डॉलर फॉरवर्ड किया हुआ है तो अब आप क्या कर सकते हो सेल डॉलर फॉरवर्ड एंड बाय डॉलर इन स्पॉट कर सकते हो प्लस आपको इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा सो इंटरेस्ट प्राइम लेंडिंग रेट के ऊपर जो वो लोग दे देते हैं ऑलरेडी बाय फ्रॉम कस्टमर एट अग्रीड रेट देखो अभी अर्ली डिलीवरी है तो जो भी बात हुआ है उसको अग्रीड रेट पे बाय कर लो सेल एट स्पॉट रेट एंड कैश डिफरेंस जो भी है मल्टीप्लाई बाय द इंटरेस्ट रेट वो आपका इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स हो जाएगा तो ये सॉफ्ट डिफरेंस प्लस इंटरेस्ट का जो भी है आपका कॉस्ट है वो आपको कस्टमर के पास से रिकवर करना है और अगर समझो लेट डिलीवरी हुआ देन इन दैट केस देखो ऑटोमेटिक कैंसलेशन आफ्टर थ्री डेज ग्रेस पीरियड ध्यान रखना

एक घंटा तो इसी में निकल जाएगा इसके लिए मैंने बोला आपको इफ यू अ डिटेल्ड वन आर वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट्स आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल बस उसी हिसाब से अब अपन लोग ऑफ करने के लिए जो रेट यूज कर रहे हैं लेट डिलीवरी वाला केस है तो फिर कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट अगर उसने कैंसिलेशन किया तो खाली एक्सचेंज डिफरेंस का कॉस्ट आएगा अर्ली कैंसिलेशन किया तो एक्सचेंज डिफरेंस प्लस इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर बाय का है तो कैंसल बाय फॉरवर्ड सेल देखो क्या होता है पता है क्या फॉरवर्ड में आपको ट्रांजेक्शन को ऑफसेट करना होता है ठीक है सो so, पे अगर आपने आपका जो कस्टमर है उसने बाय करना है ठीक है और अब वो कैंसिल कर रहा है तो आपको तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा कैसे कैंसिल करोगे फॉरवर्ड सेल के थ्रू सो so, उस चीज को यहाँ पे बताया मैंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर सेल का है तो कैंसिल बाय फॉरवर्ड बाय ठीक है ना तो इसमें ऐसे हाथ से नहीं कर सकते ना आपको रिवर्स पोजीशन लेके कैंसिल करना पड़ता है एंड लेट या ऑटोमेटिक कैंसलेशन हुआ एक्सचेंज डिफरेंस एंड स्वॉप गेन लॉस जो भी आ रहा है आपका इस वर्किंग के हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कभी कभी एक्सटेंशन भी आके बोल सकता है वो बोल सकते हैं ऑन ड्यू डेट भाई कैंसल एट स्पॉट एंड बुक न्यूक ऑन ड्यू डेट उसको एक्सटेंशन करवाना है ड्यू डेट पे आके बोल रहे हैं यार मेरे को एक्सटेंशन करवाना है मेरे पास अभी मेरे इंपोर्टर को पे करने के लिए पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे एट स्पॉट रेट कैंसिल कर दोगे तो समझो फॉर एग्जाम्पल उसने फॉरवर्ड बाय का किया था ठीक है तो अब आप स्पॉट पे उसको स्पॉट सेल करके ट्रांजेक्शन क्लोज कर दोगे एंड नया कॉन्ट्रैक्ट एट फॉरवर्ड न्यू फॉरवर्ड रेट फॉर न्यू डिलीवरी पीरियड सेट कर दोगे बिफोर ड्यू डेट आ गया ऑलमोस्ट सिमिलर ही करना है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसलेशन कर दोगे एंड नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दोगे एंड लेट एक्सटेंशन हुआ तो तो भाई कैंसिल करना पड़ेगा स्पॉट पे ऑटोमेटिकली होगा ये एंड नया कॉन्ट्रैक्ट आपको सेट करना पड़ेगा एंड रोल ओवर भी होता है कई बार तो अगर रोल ओवर होता है देन इन दैट केस आपको समझो एक्सपोर्टर के पास से पैसा मिलने वाला था नहीं मिला तो आप क्या कर रहे हो रोल ओवर कर रहे हो सो स्पॉट माइनस तो आपको स्पॉट के ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा बुकिंग ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेटर डेट सो सर एक्सटेंशन और रोल ओवर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यस ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रांजेक्शन ही होगा उसमें सो so, रोल ओवर में एक्सपोर्टर से पैसा आने वाला था अफसोस नहीं आया

फ्लैट चार्जेस पे करना पड़ता है अगर आपको क्वेश्चन बोलता है यूजीज हंड्रेड इफ डिलीवरी इज नॉट डन ऑन ड्यू डेट एंड देर इज डिफॉल्ट बाय कस्टमर ऑटोमेटिक कैंसलेशन होता है तो लॉस टू बी रिकवर फ्रॉम कस्टमर प्रॉफिट बैंक कीप्स विद इट सेल्फ ऑल अदर केसेस गेन और लॉस जो भी होगा विल बी बाय द कस्टमर बट अगर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हुआ ना तो आता माजी सटकली फिर बाद में बैंक बोलता है कि यार लॉस पूरा का पूरा कस्टमर को ही बैर करना है और गेन हम लोग कुछ भी कस्टमर को नहीं देने वाले हैं सो दिस इज हाउ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज आई टोल्ड यू मैंने आपको पे खाली फॉर्मेट बताया जिसको आप सब में अप्लाई कर सकते हो बट अगर आपको चाहिए लेट मी नो चलो अब आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट डिटेल्ट के ऊपर विच इज नोस्त्रो वॉस्त्रो एंड अकाउंट आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं फॉरेन करेंसी में अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आइए और खुलवाइए खुलवा आइए और वॉस्त्रो अकाउंट नोस्त्रो अकाउंट का लैटिन कहां का है लैटिन वर्ड है उसका मतलब क्या होता है आर अकाउंट विद यू एच डी एफ सी मुंबई का अगर बैंक ऑफ जापान टोक्यो के साथ एक येन का अकाउंट हुआ उसको बोलेंगे नोस्त्रो अकाउंट एच डी एफ सी ऐसा क्यों करेगा मैं आपको बताता हूं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर किसी को येन का पेमेंट करना है ठीक है ना हो सकता है ना किसी ने जापान से इंपोर्ट किया होगा मशीनरी और उसको पेमेंट करना है येन में ठीक है तो वो एच डी एफ सी मुंबई बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई येन में पेमेंट करना है आप करवा सकते हो क्या तो हमारा नोस्त्रो अकाउंट है येन के करेंसी में बैंक ऑफ जापान टोक्यो के साथ तो हम उनको बोलेंगे कि भाई इस हमारे इंपोर्टर का पेमेंट आप कर दो उसके पास से हमने पेमेंट ले लिया है समझ रहे हो आप तो इंपोर्टर का जो उधर का जापान का एक्सपोर्टर है उसको इमीडिएटली में पेमेंट मिल जाएगा उसको येन में पेमेंट चाहिए बराबर है इंपोर्टर को मशीनरी चाहिए वो उसको पेमेंट मिल गया है, तो वो मशीनरी भेज देगा इंपोर्टर इज हैप्पी इंपोर्टर फॉरेन करेंसी के हिसाब से इंडियन बैंक को पेमेंट कर देगा समझ में आया एंड एग्जैक्टली exactly इसका ऑपोजिट भी तो होगा से फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क विल ओपन एन अकाउंट विद आई सी आई सी आई बैंक इंडिया मुंबई डेली क्यों क्योंकि हो सकता है कि वहां पे डॉलर ट्रांजेक्शन करना है किसी यूएसए के बंदे को तो बैंक ऑफ अमेरिका का अगर अपने यहाँ पे अकाउंट है डॉलर अकाउंट तो दे कैन डू इट इजीली दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ वस्त्रो अकाउंट एंड लास्ट है अकाउंट सो एग्जांपल कोई कोऑपरेटिव बैंक है अब बेचारा कोऑपरेटिव बैंक नोस्त्रो अकाउंट नहीं खुलवा सकता है क्योंकि नोस्त्रो अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मिनिमम पांच करोड़ का ट्रांजेक्शन uh, वैल्यू रखना पड़ता है अब बेचारे कोऑपरेटिव बैंक के पास तो उतना है नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है एच बैंक मुंबई को अप्रोच करता है और बोलता है भाई तू तो बड़ा आदमी है तेरे पास तो नोस्त्रो अकाउंट है ना तो प्लीज मेरे लिए ये ट्रांजैक्शन रूट करवाना सो दैट बैंक एज अ थर्ड पार्टी जिसका नोस्त्रो अकाउंट है बार की करेंसी अकाउंट में एंड दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज अ लॉरो अकाउंट बिकॉज तीन पार्टीज इन्वॉल्व है एक कोऑपरेटिव बैंक जो कनेक्ट करता है थर्ड पार्टी को थ्रू अ नोस्त्रो अकाउंट बराबर है एंड देन फिर बाद में दैट पेमेंट इज डन ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं लॉरो अब इवर यहाँ पे आवर अकाउंट विद यू आवर अकाउंट विद यू यकाउंट विदर अकाउंट विद यू ठीक है समझ में आ गया नॉस्ट्रो वॉस्ट्रोर लॉरू इट इज एन अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक बैंक विद फॉर बैंक फॉर फॉरिन करेंसी एच डी एफ सी बैंक

तो वहां पे, पे बैंक का लोकेशन क्या है मुंबई कहां पे खुला है चाइना सो so, उस हिसाब से आपको नोस्त्रो वस्त्रो सोचना है राइट लोकेशन इज मेन बाबूजी मेन क्या mean, mean. Location is important. है मेन मेन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट ठीक है डन अब इसमें क्या ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं फॉर्मेट क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा देखो लॉरो अकाउंट का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया या समझाया वो मैंने नोट टू तो में यू कैन रीड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज इसके ऊपर पब्लिक को कंफ्यूजन होता है बैंक टू परचेज अभी देखो एक होता है एक्सचेंज पोजिशन और एक होता है कैश पोजिशन सुनो से एच डी एफ सी मुंबई ंग अ बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ जपैन टोक्यो इन येंसी तो मैं भी एक मेरा बैंक अकाउंट मेंटेन करूंगा और वो लोग भी मेरा एक बैंक अकाउंट मेंटेन एक अकाउंट मेंटेन करेंगे जैसे अपन लोग करते हैं पासबुक और कैशबुक के लिए बराबर की नहीं सो तो अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं बैंक और कैशबुक और पासबुक में तो मेरे पास मेरा खुद का एच डी एफ सी बैंक का एक कैशबुक होता है बना या बैंक अकाउंट होता है वैसे ही वो लोग ने मेरा एक पासबुक मेंटेन करके रखा है क्या दोनों मैच होता है क्या इज नो क्यों अब वो अपने लोग इसीलिए तो बनाते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट या फिर बैंक आ, से डिविडेंड डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट सो उन सब रीजन की वजह से डिफरेंस आता है वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है तो बैंक का एक खुद का एक्सचेंज पोजिशन आर ओन बैंक अकाउंट एंड एक पासबुक जैसा मेंटेन किया हुआ होता है बैंक ऑफ टोकियो जापान के साथ अब मेरे पास जो अकाउंट है ना उसमें तो सारे ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करता हूं फॉरवर्ड परचेज फॉरवर्ड सेल स्पॉट परचेज स्पॉट सेल एवरीथिंग आई रिकॉर्ड इन माय एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट जो मेरा मेरे पास वाला अकाउंट है बट वहां पे जो अकाउंट है ना उधर उद्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली ऑन ओन कैश बेसिस मतलब रियल कैश का आउटफ्लो और रियल कैश का इनफ्लो हुआ तो ही आएगा सो so, यहाँ पे बेसिकली कैश बेसिस पे काम होता है यहां पे बेसिकली अक्रूवल बेसिस पे काम होता है समझ में आया टोटल परचेज और सेल कमिटमेंट ऑफ द बैंक टू परचेज और सेल स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसीज

स्टॉक ऑफ फॉरन करेंसी हेल्ड बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस विदेंट बैंक इज योर कैश पोजिशन बैलेंस आउटिंग इन बैंक वो मेरा क्या अकाउंट मेंटेन कर रहा है यहां पर मैं मेरे हिसाब से जो मेंटेन कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एस एक्सचेंज पोजिशन आई होप समझ में आ गया होगा तो ओवर बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ओवरब्रॉड परचेज में एंट्री डालना है ओवर सोल्ड सेल में एंट्री डालना है अब सुनो स्पॉट परचेस में एक्चुअल इनफ्लो होता है परचेस कर रहे हो आप तो एक्चुअल इनफ्लो होता है तो यहां पे भी इनफ्लो में दिखेगा यहां पे भी इनफ्लो में दिखेगा स्पॉट सेल अगर या रेमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर तो दोनों में दिखेगा बट अगर आपका खाली फॉरवर्ड वाला ट्रांजेक्शन है देन इट मे नॉट रिफ्लेक्ट इन बोथ द अकाउंट यहाँ पे परचेस किया था तो इनफ्लो था तो यहां पर दिस विल बिकम आउटफ्लो यू आर राइट एंड यहां पे भी आ जाएगा आउटफ्लो फॉरवर्ड परचेज याद रखना फॉरवर्ड का अगर एंट्री है ओनली इन एक्सचेंज पोजिशन क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे ठीक है कैश में खाली स्पॉट बाय स्पॉट सेल बस रियल इनफ्लो और आउटफ्लो दैट्स इट तो सर यहां पे फॉरवर्ड का आपने लिखा है गलत 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 कट कर दो बाए, बाए मिस्टेक गलती से मिस्टेक हो गया सॉरी ओके अब फॉरवर्ड परचेस किया परचेस किया तो इनफ्लो फॉरवर्ड परचेस कैंसिल हो गया तो रिवर्स हो जाएगा आउटफ्लो फॉरवर्ड सेल किया तो आउटफ्लो बट वो कैंसिल हो गया तो इनफ्लो हो जाएगा डीडी इशूड फॉरवर्ड सेल तो सेल हुआ है तो आउटफ्लो हो जाएगा परचेस किया है इनफ्लो हो जाएगा दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क आलियर एवरीबॉडी तो ये हिसाब से बस एक दो चेंज कर देना प्लीज अपन ने एंट्री डाल दिया था कैश में नहीं आएगा वो एंट्री आउटफ्लो एंड आउटफ्लो आ जाएगा आउट इनफ्लो की जगह पे चलो ठीक है तो ये अब आप सम उठाओ का बिंदास और ये फॉर्मेट के हिसाब से डालो लॉजिक को यूज करो क्या लॉजिक को यूज करना है रियल इनफ्लो रियल आउटफ्लो जो स्पॉट पे आता है तो फिर कैश पोजीशन में इंपैक्ट आएगा रियल इनफ्लो रियल आउटफ्लो एक्सचेंज पे भी आएगा नो प्रॉब्लम बट अक्रूड भी हुआ फॉरवर्ड परचेस भी किया इनफ्लो में एंट्री आएगा एक्सचेंज पोजिशन में भी

थ्योरी आ सकता है ध्यान से करना सम आ सकता है ये फॉर्मेट के ऊपर रिलाई करना यू आर थ्रू अब बताते हैं अपन लोग करेंसी फ्यूचर्स के ऊपर इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उसको देख सकते हैं फॉर नाउ फटाफट करेंसी फ्यूचर्स में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टू आइडेंटिफाई कि भाई लॉन्ग फ्यूचर करना है शॉर्ट फ्यूचर करना है एंड उसके लिए मैंने यहां पे आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताया आओ देखते हैं करेंसी फ्यूचर क्यों यूज करता है जैसे फॉरवर्ड है जैसे मनी मार्केट है वैसे ही करेंसी फ्यूचर है यूज टू हेज टू अगेंस्ट करेंसी मूवमेंट तो मैं क्या करूंगा पता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनी मार्केट हेज से करो फॉरवर्ड uh, से करो करेंसी फ्यूचर से करो करेंसी ऑप्शन से करो मैं सबसे कर लूंगा और जिससे मुझे सबसे सस्ता बैठेगा वो मैं करूंगा आप लोग ने सुना है कोई आप लोग का फ्रेंड होगा या कोई कजिन होगा बड़ा वो बोलता है मैं ना ट्रेजरी में काम करता हूं मैं ना इस कंपनी के ट्रेजरी में काम करता हूं मेरा एक फ्रेंड है वो ट्रेजरी में काम करता है ऑफ जिंदाल तो वहां पे वो ट्रेजरी में क्या काम कर रहा है यही सब मैनेज कर रहा है क्योंकि जिंदाल का इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है अदानी का रिलायंस का इतना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कि उन लोगों को पोजीशन सेट करना पड़ता है सच दैट बोलो का जो करेंसी uh, का फ्लक्चुएशन है उसमें हेजिंग प्रॉपरली हो जाए एंड दैट इज वेर करेंसी फ्यूचर्स इज आल्सो यूज्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेदर टू शॉर्ट और वेदर टू लॉन्ग कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको स्टेप वन आपको देखना है भाई इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है? इंपोर्टर क्या करता है फॉरन करेंसी बाई करता है उसका तो काम ही है भाई फॉरेन करेंसी बाय करके अपने एक्सपोर्टर को भेज दो एक्सपोर्टर क्या करता है सेल करता है क्योंकि उसके इंपोर्टर ने उसको भेजा होता है फॉरेन करेंसी तो वो सेल करता है तो ये चीज पता चल गया अपने को यस सर ये चीज पता चल गया इफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इन फॉरेन करेंसी तो इंपोर्टर है अगर क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर है? है, है, है तो आपको करना है लॉन्ग फ्यूचर्स डिटेल में अगर आपको इसको समझना है यूट्यूब पे आप उसको रेफर कर सकते हैं डिटेल वाले को एंड अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक करेंसी में देन इन दैट केस आप क्या करोगे शॉर्ट फ्यूचर्स करोगे समझो एवरीबॉडी वैसे ही अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको खाली देखना है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन में करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स फॉरन करेंसी में या डोमेस्टिक करेंसी में अगर फॉरन करेंसी में यू शॉर्ट फ्यूचर्स अदरवाइज यू विल लॉन्ग फ्यूचर्स तो सबसे पहला बात हाश ये तो पता चला लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है अब सेकेंड स्टेप कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है कि भाई मेरा दस लाख का अमाउंट है और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लाख का है तो आप कितने कॉन्ट्रैक्ट लेंगे टेन कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा बस एक्जैक्टली exactly यही करना है आपको नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज टोटल अमाउंट टू बी रिस और पेड ट्रांजेक्शन वैल्यू डिड बाई वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट अब एक नोट मैंने लिखवाया है वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ध्यान से पढ़ना उसको उस बेसिस पे सम को भी आप सोल्व करोगे ना इजीली सॉल्व हो जाएगा ट्राइड आउट कन्वर्ट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड इन द सेम करेंसी एज दैट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट uh, है यहां पे ये यह कॉन्ट्रैक्ट है मेरा डॉलर का और यहां पे ऐसे फॉर एग्जाम्पल रुपीज का तो इना चाल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कन्वर्ट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड इन सेम करेंसी एज दैट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो आप किसको चेंज करोगे रूपीज से डॉलर या डॉलर से रूपीज रुपीज से डॉलर में क्यों क्योंकि अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड टू बी कन्वर्ट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड इन द सेम करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला फ्यूचर अमाउंट रिसीव इज इन डॉलर बराबर है एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इन रूपीज देन कन्वर्ट द डॉलर इन टू क्या लेके अब उसमें ना बहुत सारे रेट्स मिलेंगे आपको कौन सा रेट लेना है फ्यूचर करेंसी रेट ट्रेडिंग ऑन स्पॉट डेट ऑफ रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन तो समझो मेरा ड्यूरेशन है थ्री मंथ्स का तो थ्री मंथ्स फ्यूचर्स आपको दिखेगा थ्री मंथ्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेगा आपको उस थ्री मंथ्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करना है आपका ट्रांजे जो कन्वर्जन गॉट इट एवरीबॉडी ठीक है तो अब अपने को पता चल गया भाई कितना नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लेना है अब आ जाएगी बात च्योरिटी पे सॉरी इनिशियल मार्जिन इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा आपको कि भाई मार्जिन देना पड़ेगा फ्यूचर्स में एक मार्जिन देना पड़ता है ये चीज तो अपने को पता ही है अपन ने डायरेक्टिव फ्यूचर्स में देखा ही है सो so, अपने को अगर मार्जिन मांग रहे हो तो मार्जिन देना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अपन लोग ने ऊपर उपन स्टेप टू से कैलकुलेट किया इनिशियल मार्जिन पर कॉन्ट्रैक्ट अभी वापस शाने लोगे दो मार्जिन आपको देंगे एक एक मंथ का एक तीन मंथ का क्वेश्चन देखने का क्वेश्चन तीन महीने वाला है तो आपको तीन मंथ वाला मार्जिन देना है एज पर फ्यूचर्स ड्यूरेशन सिंपल समझ आया फिर आ जाएगा मेच्योरिटी अब यहां पे मेच्योरिटी पे जो आपको पैसा आना है जो आपको देना है वो स्पॉट रेट के हिसाब से दे दो वेरिएशन मार्जिन मतलब जो भी आपका गेन या लॉस होता है अगेन फ्यूचर्स आप लोग ने किया होगा रिवीजन किया है मेरा तो उसमें बताया ना मार्जिन में एडजस्ट होता है अपना जो भी गेन है लॉस है उस हिसाब से गेन और लॉस के हिसाब से यहां पे आपको प्लस माइनस करना है डिफरेंस ऑफ शॉर्ट रेट एंड लॉन्ग रेट जितना भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट ऑफ स्पॉट अगर शॉर्ट रेट ग्रेटर देन लॉन्ग रेट तो गेन उल्टा हुआ देन इट इज लॉस एंड मार्जिन अमाउंट आपका तीन महीने तक पैसा अटका रहा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगा दैट मल्टीप्लाई जो भी मार्जिन अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर

मार्केट हो गया है 150 तो आप शॉर्ट करोगे 150 पे तो 50 का आपको गेन हुआ है तो वो 50 का गेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम आप लोग जो स्पॉट पे पेमेंट करने वाले वो है ही उसके सामने ये 50 का गेन अपसेट हो गया आपका नेट पेमेंट आपको पता चल जाएगा एंड सेवर्सा समझ में आ गया लास्ट ऑप्शन के ऊपर आ रहे अपन लोग आई मीन लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर है एंड टू आवर्स में पूरा का पूरा pura forex as promised is done identify whether to take call option और put option इसमें सबसे बड़ा game जैसे yahan pe था long करे या short यहाँ पे सबसे बड़ा game है call ले या put अगेन आपको पहले आइडेंटिफाई करना है इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है आपने आइडेंटिफाई कर दिया सर टेक कॉल ऑप्शन इफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन फॉरेन करेंसी और अगर आप इंपोर्टर है देन टेक पुट ऑप्शन इफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन डोमेस्टिक करेंसी ये तो एकदम टेबल फॉर्मेट अभी आप लोग को सेट है तो आप आराम से कर लोगे इसमें एक बहुत बड़ा चाहिए। ये चाहिए क्वेश्चन में दे तो डॉलर का है, तो आपको बहुत पता चल जाएगा। आप उस हिसाब से डिसीजन ले पाओगे कि भाई में डोमेस्टिक करेंसी में बट यहां पर थोड़ा ये लोग गेम खेलते हैं तो आपको यह नोट ध्यान से पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ करेंसी अपने को क्या बोला है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन पे डिपेंडेंट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन करेंसी पे अगर है तो कॉल ऑप्शन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक करेंसी पे है तो पुट ऑप्शन इन केस ऑफ इंपोर्टर बट कॉन्ट्रैक्ट कौन से करेंसी में है कई बार मिसिंग होता है नहीं समझ में आता है मैं आपको बताता हूं ये नोट पढ़ो और उसे समझ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ करेंसी पर यूनिट रेट इज गिवन अगर दिया हुआ है तो अगर ऐसा लिखा तो है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इन डॉलर अगर कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में है तो आप देखो डॉलर आपके लिए फॉरेन करेंसी है कि नहीं सॉरी डॉलर आपके लिए क्या है फॉरेन uh, करेंसी है या डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी है और आप इंपोर्टर हो देन टेक कॉल ऑप्शन समझ रहे हो ना आपको सिस्टम टू सिस्टम सीधा टेबल के हिसाब से फॉलो करना है एकदम काम आप लोग का इजी कर दिया है मैंने अब जैसे वहां पे अपन लोग ने क्या था नंबर ऑफ ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या पे भी अपने को कॉन्ट्रैक्ट्स कितना बाय करना है लेना पड़ेगा समझना पड़ेगा क्या क्या था टोटल टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू अपॉन जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है अपॉन वैल्यू अपन कॉन्ट्रैक्ट इससे आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पता चल जाएगा इसमें भी कैच है नोट कन्वर्ट द टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट इन सेम करेंसी एज दैट ऑफ ऑप्शन यूजिंग द एक्सरसाइज प्राइस सो क्या होगा बताए क्या सपोज ये डॉलर में है और ये रुपीज में ये न तो आपको ये भी डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे करोगे कन्वर्ट द टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट इन द सेम करेंसी एज दैट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट

अपन लोग कन्वर्ट कर देंगे डॉलर में ये भी डॉलर ये भी डॉलर काम हो गया अभी इज इन डेसिमल्स तो जो बचा हुआ है ना उसके लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो एक सिंपल सा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ये देखो नीचे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके है यहां पे 17.17 .17। तो आपको क्या करना है 17 कॉन्ट्रैक्ट ले लेने हैं तो जो पॉइंट वन सेवन का अमाउंट बचा उसका क्या उसको कवर करना है यूजिंग द फॉरवर्ड समझ में आ गया अगेन अगर वो भी करेंसी मैच नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय स्ट्राइक प्राइस करना है तो आपको पता चलेगा टोटल एक्सपोजर टू बी कवर्ड बाय द फॉरवर्ड प्रीमियम पेबल जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है इंटू वैल्यू ऑफ वन लॉट इंटू प्रीमियम अमाउंट टली देना पड़ेगा तो premium as per spot rate आएगा. अगर इन द मनी है तो आप एक्सरसाइज करेंगे आउट ऑफ द मनी है तो आपका प्रीमियम पेड विल बिकम द लॉस यू नो दैट एंड एट मेच्योरिटी सेटलमेंट ऑफ जो भी एक्सपोजर अमाउंट है ऑप्शन के थ्रू वो आप कर देंगे अनएक्सपोज अमाउंट फॉरवर्ड के थ्रू And जो premium आपने step four में किया है, that will become a cost and that is how currency options पूरी तरह से आपका settle हो जाएगा. Got it? अब एक sum के साथ इसको immediately connect कर लो. Revision video है, तो I cannot do that immediately because it will take a lot of time obviously. तो वो आपका set हो जाएगा. Currency futures के लिए भी मैंने videos डाला है एक घंटे का. उसमें पूरा मैंने sum के साथ भी connect किया है. You can refer that as well. बाकी आपको और कुछ भी चाहिए? Let me know. Portfolio management derivatives आई आर आर एम ये सबके मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलमोस्ट एक घंटे के sure दो तीन बार सुन लेना, पे सेट हो जाएगा कोई भी चैप्टर कभी ऑप्शन में छोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न ओके गाइस चलो टाइम फॉर मीडूता मेरा जो दो घंटे का मैंने आपको कमिटमेंट दिया था फॉर दिस चैप्टर वो कमिटमेंट के हिसाब से आई हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम ठीक है करेंसी ऑप्शन भी अपन लोग ने कर ली है अगेन इसमें भी मेन गेम है आइडेंटिफाई करना है कॉल के पुट कैसे आइडेंटिफाई करोगे देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन करेंसी में कि डोमेस्टिक में है फॉरन में है पुट कॉल uh, ले लो अगर आप इंपोर्टर हो तो करेंसी और आपका जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहा है अगर अच्छा करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कौन से ऑप्शन uh, का कॉन्ट्रैक्ट कौन से करेंसी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो आपको देखना है वन रुपीज इज इक्वल टू जो भी है तो रुपीज में आपका कॉन्ट्रैक्ट है अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन रुपीज में ही है तो टेंशन नहीं है नहीं है अगर देन इन दैट केस कन्वर्टेड यूजिंग द एक्सरसाइज प्राइस फिर आपको पता चल गया भाई आपका टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट लेना है ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अराउंड फिगर तो अगर डेसीमल में है, तो जो डेसिमल बच रहा है उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो उसको बोलते हैं एक्सपोजर थ्रू फॉरवर्ड एक्सपोजर थ्रू ऑप्शन फिर बाद में प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट कर लो एक्सरसाइज करना है आपको एक्सरसाइज मेच्योरिटी uh, पे तो आप एक्सरसाइज कर लोगे सेटलमेंट ऑफ एक्सपोजर थ्रू द ऑप्शंस जो भी आपका फॉरवर्ड्स के थ्रू है वो फॉरवर्ड्स के थ्रू हो जाएगा प्रीमियम अमाउंट इज अ कॉस्ट एंड टाइम फॉर स्टे कीप शेयरिंग योर कमेंट्स कीप शेयरिंग योर लव थैंक यू सो मच टेक केयर स्माइलिंग अच्छा लगा तो लाइक जरूर देखिए ज्यादा बाय थैंक यू